हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सीए विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। यू माइंड बी नोइंग कि हम लोगों ने सीए फाइनल्स के लिए ऑलरेडी 3 अमेंडमेंट डाल दिए हैं, जिसमें से पहला जुडिशियल अपडेट है, दूसरे दो प्योरली अमेंडमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है ईच एंड एवरी प्रोविजन के साथ। मैंने चेक किया, एक अमेंडमेंट लेक्चर वहां पे मिसिंग था जो मैंने अपलोड किया था, बट आई डोंट नो समहाउ वो डिलीट हो गया एंड आई एम अगेन री रिकॉर्डिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ सीए फाइनल, जिसके अंदर में जितने भी बचे हुए अमेंडमेंट्स है जो नोट्स के अंदर में दिए हुए थे वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये जो सीए फाइनल के अमेंडमेंट नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, इसके अंदर में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर की और आप टेलीग्राम में जाकर के ये नोट्स देख सकते हैं। जो पहली बार इस अमेंडमेंट वीडियो को देख रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले दो अमेंडमेंट वीडियो देख लें, जुडिशियल अपडेट देख लें, आपको बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट मिल जाएगा। 2019 एक ऐसा ईयर था जहां पे एक्ट 3 बार चेंज हुआ, पहले इंटरिम बजट के बाद, दूसरा फाइनल बजट पे और तीसरी बार ऑर्डिनेंस ला करके चेंजेस हुए, राइट। और ये सारे चेंजेस को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट ये नोट्स ले लेंगे जो ऑलरेडी इस लेक्चर का वेट कर रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली जब आपने मुझे बताया तब मैंने जाकर के पूरे वीडियोस देखे और तभी मुझे पता चला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। मैं आप सभी का ध्यान सबसे पहले लेके आना चाहूंगा पेज 12.4, फटाफट पेज नंबर 12.4 के ऊपर आ जाएं, यहां पे आपके लिए कुछ अमेंडमेंट्स है। सो पेज 12.4 के ऊपर आ जाएं, 12.4 के ऊपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आप लोग का वेट कर रही है। ये अमेंडमेंट एक बहुत बड़ी हार्डशिप थी जिसको हटाया गया है सीबीडीटी द्वारा। हार्डशिप क्या थी मैं आपको बता दूं, सेक्शन 89 ये एक वो सेक्शन है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा? आईपीसीसी या इंटर के अंदर में पढ़ा होगा, जो देता था रिलीफ किससे, एडवांस सैलरीज के ये रिलीफ देता था, अरियर्स ऑफ सैलरी से ये रिलीफ देता था, ये रिलीफ देता था रिटायरमेंट बेनिफिट से। और इसके अगेंस्ट में होता क्या था, जब आपको ये अमाउंट मिल जाती थी ऑब्वियसली बात थी आपका स्लैब रेट इंक्रीज हो जाता था और आपको 89(1) के अंदर में क्या किया जाता था, रिलीफ मिलता था। लेकिन कुछ जगह पे इसका टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था और मैं ऑफिसेज में भी हूं तो मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ भी ये आया है। हालांकि ये जो आया ये 40A के एस्पेक्ट में आया, सो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या था। मैं आपको बताता हूं कुछ सेक्शंस को हम एक बार रिकॉल करते हैं सीए फाइनल लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं 140A की। किसकी बात करते हैं सर? 140A की। 140A किस बारे में बात कर रहा है आपको याद आ रहा होगा, तो 140A आपसे बात करता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। 140A बात करता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। एट द सेम टाइम 143 की अगर हम लोग बात करें तो ये बात करता है असेसमेंट्स की। 234A की बात करें तो ये था इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं किया। 234B एंड C अगेन आपसे इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन ये लगते थे जब आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो। सो अगर हम इन सेक्शंस की वापस से बात करें, वापस एक बार बता दूं, 140A आपसे बात करता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, 143 आपसे बात करता है असेसमेंट्स की, 234A, B, C इंटरेस्ट की बात करते हैं जो मैंडेटरी इंटरेस्ट है। अब इन सभी कैलकुलेशन करते वक्त, एओ क्या करता था, जब इन सभी सेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो टैक्स कंप्यूट करने का मेथड दिया हुआ है। इन सभी सेक्शंस के अंदर में टैक्स कंप्यूट करने का मेथड आप लोग को दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये टैक्स कंप्यूट करते वक्त अगर असेसी एलिजिबल है 89(1) के रिलीफ के लिए, जो अरियर्स एडवांस या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कारण कोई रिलीफ मिलता है, अगर ऐसा कोई रिलीफ के लिए असेसी एलिजिबल है तो वो बेनिफिट एओ उसको प्रोवाइड ही नहीं करता था। एओ बोलता था कि आप इन स्पेसिफिक सेक्शंस को पढ़ के देख लो, चाहे वो 140A हो, 143 हो, 234A हो, 234B हो, 234C हो, इन सभी कैलकुलेशंस के अंदर में कहीं पे भी जब आप टैक्स कंप्यूट करते हैं, इन टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर में 89(1) के रिलीफ को कवर ही नहीं किया था। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 140A, 140A का जब आप टैक्स कंप्यूट करते रहते हैं तब आप कैसे कंप्यूट करते हैं, आप सबसे पहले निकालते हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी, राइट। इस टैक्स लाइबिलिटी में से टेक्निकली आप रैट मैट माइनस करते हो, राइट। व्हाट इज रैट रिलीफ, विच इज अंडर सेक्शन 90 और 91, राइट। ए एनी एडवांस टैक्स पेड, टी इज टीडीएस एंड टीसीएस, मैट इज मैट एंड एएमटी। आप ये क्रेडिट माइनस करते थे और जो भी बचता था ये आपका निकलता था टैक्स लाइबिलिटी एज पर द रिस्पेक्टिव सेक्शन। अब होता क्या था, इन सभी के अंदर में जो आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, अगर एसएससी 89(1) के रिलीफ के लिए एलिजिबल है तो 89(1) का रिलीफ उसको मिल ही नहीं पाता था। क्यों?
क्योंकि ये कहीं पे भी कंप्यूटेशन मेथड में दिया ही नहीं था, और एओ असेसी एलिजिबल होने के बावजूद भी ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता था, और ये एक बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम था। 40A का मुझे इसलिए पता है क्योंकि वन ऑफ द क्लाइंट के साथ ये हो चुका है। अब ऐसे केसेस में बहुत सारे लोगों ने सीबीडीटी के पास गए और सीबीडीटी के पास गुहार लगाई कि आपको ये कैलकुलेशंस चेंज करने चाहिए, और इसी के तहत फाइनेंस एक्ट 19 ने आपकी ये बात सुन ली, और ये एक जेन्युइन हार्डशिप थी जो एसएससी के साथ हो रही थी, और ये अमेंडमेंट लाया गया। क्या अमेंडमेंट लाया गया? अब जब आप 140A, 143, 234 ABC का कैलकुलेशन करते रहेंगे, जब आप टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, इसमें से एक और चीज माइनस करेंगे, और वो होगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो क्या है सिंपली अमेंडमेंट? अमेंडमेंट ये है, अब इन चारों सेक्शन में जो टैक्स कंप्यूटेशन आ चुका है, इस टैक्स कंप्यूटेशन में 89(1) का रिलीफ भी अब आपको माइनस करना पड़ेगा। सर, ये अमेंडमेंट कितना इंपैक्ट रखता है? ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखता है, क्योंकि ये जितने भी सेक्शन हैं, ये वो सेक्शन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सीए फाइनल में, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिलेटेड हो, 143 से रिलेटेड हो, 234 ए बी या सी, ये सभी एकदम हिट पॉइंट होते हैं सीए फाइनल के अंदर में, एंड हेंस आई एम सेइंग कि ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। पेज नंबर 12.4 पे ये अमेंडमेंट दिया है, आप एक बार मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ रीड कीजिएगा लॉ के वर्ड्स, विद अ व्यू टू अवॉइड जेन्युइन हार्डशिप, ये वर्ड आपको मेमोरेंडम के अंदर भी दिया हुआ है, विद अ व्यू टू अवॉइड जेन्युइन हार्डशिप इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89, द प्रोविजन ऑफ 140A, 143, 234 ए बी एंड सी हैव बीन अमेंडेड विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 2007 and 2008। सो ये एक अमेंडमेंट ऐसा है जो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहा है, कहां से? 2007 and 2008 से, और अब आप जब भी टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, लाइबिलिटी कंप्यूटेशन होगा, देन आपको 89 का रिलीफ देना होगा। अब मुझे क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। वो आपको क्या करेंगे, वो आपको कंप्यूटेशन देंगे इनमें से किसी भी एक का, राइट, एंड सिंस द अमेंडमेंट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, माइंड भी आपको किसी और साल का कंप्यूट करने के लिए बोला जाए, मुझे पर्टिकुलर लगता है 234 बी या सी से रिलेटेड कैलकुलेशन देंगे, और आपको बताया जाएगा असेसी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर रिलीफ। आपको रिलीफ कंप्यूट करने नहीं बोला जाएगा, रिलीफ का एक अमाउंट दिया होगा, और आपको बोलेंगे कि चलो क्या करो, कंप्यूटेशन करो। ये आपका गुड सेंस है जो वहां पे वर्क करना चाहिए, और आपने 89(1) का रिलीफ उसमें से क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। सो इज द अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट? यस, आई मस्ट से दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, राइट। सो ये एक वो अमेंडमेंट था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनेशनल टैक्स में पूरा एक साथ लेता हूं मैं, अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पेज नंबर 13.5 के ऊपर, तो सभी लोग फटाक से 13.5 के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे दो अमेंडमेंट है, ये टॉपिक स्पेसिफिकली सीए फाइनल वालों के लिए ही वर्क करता है, तो इंटर वाले तो वैसे भी इस वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर होगा। 13.5 टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ना ना घबराइए मत, आपको इसके अंदर में कोई प्रोविजन में चेंज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मैं आपको पूरा याद दिला देता हूं, जब हम टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते हैं या इलेक्टोरल ट्रस्ट पढ़ते हैं, तो हमें सेक्शन याद आते हैं 13A and 13B, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को क्या दिया जाता है, एग्जम्पशन दिया जाता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? याद आना ही चाहिए मेरे भाई, यस ऑर नो? नाउ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में एक प्रोविजन से मैं आपको याद दिला देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी की इनकम जो होती है वो कैपिटल गेन, एचपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से एग्जम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। वन ऑफ द कंडीशन है उसके अंदर में कि जो पेमेंट हो रहा है 20,000 रुपीज के ऊपर का, 20,000 रुपीज के ऊपर का जो पेमेंट हो रहा है, उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आपको लिख करके रखना पड़ता है। याद आ रहा है आपको? और अकाउंट्स और ऑडिट भी मेंटेन करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही। अब आपको मैं याद दिला दूं, पीजीपीपी में एक अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट था जहां जहां पे भी पेमेंट अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस लिखा था, वहां पे एक और वर्ड ऐड हो गया है, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल ठीक, यहां पे भी वही अमेंडमेंट हुआ है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब हम 13A पढ़ते हैं तो उसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2,000 रुपए से ऊपर का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक वहीं पे किया गया है अमेंडमेंट कि 2,000 रुपए से ऊपर का कोई भी पेमेंट जब पॉलिटिकल पार्टी कलेक्ट करेगी तो ये अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं ये पेमेंट क्यों किया गया है, जेन्युइन हार्डशिप थी, लोग क्या कर रहे थे, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट के जो इनके बोनस पॉइंट्स होते हैं वहां से पे करते हैं, पेटीएम वॉलेट से पे करते हैं, इस तरह के पेमेंट्स को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। सो मेरे साथ रीड कीजिएगा, अ पॉलिटिकल पार्टी
विच वॉन्ट टू क्लेम एग्जम्पशन. अब यहाँ पे जब हम एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं तो कौन से एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, 13A के एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, राइट. सो फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी विच वॉन्ट्स टू क्लेम द एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम अंडर 13A, इट शैल रिसीव डोनेशन, इट शैल रिसीव डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 रुपीज थ्रू अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. अब ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या हो सकता है, ये ई वॉलेट हो सकता है या कोई भी प्रिस्क्राइब हो सकता है. बस आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करना है, पेमेंट रिसीव करना है. इतना सा अमेंडमेंट था. हालांकि आपको पता है ये अमेंडमेंट हर उस जगह पे जहां पे ये अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस वर्ड लिखा होगा वहां पे इंपैक्ट करता है. सो दिस वॉज एन अनादर अमेंडमेंट. आइए चलते हैं अनादर एक और अमेंडमेंट्स पे. छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, हमें वही देखना होगा. अब नेक्स्ट अमेंडमेंट, टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक उसी के नीचे. चाहता हूं पहले आप पढ़ लें फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. चलिए बात कर लेते हैं. चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कौन देता है, सीआईटी देता है. कौन से सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, 12, 12AA की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट. आपको स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 12A एंड 12AA की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे पूरी प्रोसीजर दी हुई है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के ऊपर में कोई बात नहीं लिखी थी और इसी टाइम पे एक बहुत ज्यादा जरूरत थी एक सेक्शन की, जो अमेंड किया गया 12AA, कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसके प्रोसेस के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी. हालांकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें या आपने ऑफिसेज में भी ट्रस्ट का काम किया होगा, होता यही था, बस लॉ के अंदर में स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं दिए थे. जैसे कि हम लोग ऑफिसेज में भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करते थे या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रिमूव करना होता था तो हम लोग जाते सीआईटी के पास ही थे. भले ही आपको एक और पॉइंट याद दिला देता हूं, 143(3) के अंदर में एओ के पास क्या दिया है, पावर दिया है कि अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो एग्जम्पशन क्लेम कर रही है, अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो क्या कर रही है, एग्जम्पशन क्लेम कर रही है, अगर ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती तो एओ रेकमेंड कर सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप क्या करें, इनका एग्जम्पशन विड्रॉ कर दें. लेकिन एग्जम्पशन विड्रॉ करने का एग्जैक्ट प्रोसीजर और उसके पावर एंड अथॉरिटी ये बताया नहीं था. ये बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी. अब मैं आपको बताता हूं बिहाइंड द सीन्स होता क्या था. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एग्जैक्टली कौन, नरेंद्र मोदी साहब तो आएंगे नहीं ये एग्जम्पशन विड्रॉ करने के लिए, तो ये एग्जम्पशन विड्रॉ करता कौन था. अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर सीआईटी को दिया था, लेकिन ये एक्सप्रेसली कहीं पे प्रोवाइडेड नहीं था, जो अब क्या कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है. एंड व्हाट इज द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इज अंडर सेक्शन 12AA जो ये प्रोवाइड कर रहा है. चेक कीजिएगा, सीआईटी को अब जब भी लगता है कि कोई रजिस्ट्रेशन को क्या करना है, कैंसिल करना है, सबसे पहले वो ये देखेगा कि कैंसिलेशन के प्रोसेस, एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो आपने भरा है या नहीं भरा है, वो उनके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को चेक करेगा. और अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई ट्रस्ट एग्जम्पशन जो कम एग्जम्पशन जिन कंडीशंस पे दी थी, या एओ ने अगर कोई हमें स्पेसिफिक रिपोर्ट दिया है, वो उसे चेक करेगा और चेक करने के बाद उसे लगता है, वो सेटिस्फाई होता है कि यस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, तो वो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा. तो टेक्निकली ये कोई एक बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम का जैसे अमेंडमेंट बोल सकते हैं, मैं इसे नहीं कहूंगा. क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि हमेशा से ये सीआईटी करते आया है. वर्ड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता है, बट जो प्रैक्टिस में है वो जानते हैं कि हमेशा से ये सीआईटी करते आया है. तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होंगे जिन्होंने अपने आर्टिकल चिप के दौरान ट्रस्ट का काम जरूर किया होगा. आपको भी पता है आपको जाना पड़ता था सीआईटी ब्रैकेट में ट्रस्ट लिखा होता था ऑफिस के अंदर में. सो चेक कीजिएगा, 12AA प्रिस्क्राइब्स फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019. तो ये जो अमेंडमेंट आया है ये आया है 1 सितंबर 2019 से. प्रोवाइड्स फॉर सीआईटी और पीसीआईटी शैल इंक्वायर एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द कंप्लायंस ऑफ ट्रस्ट. पहला पॉइंट, उसको इंक्वायरी करने का, एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करने का क्या दिया गया है, पावर दिया गया है. एंड अपॉन सेटिस्फैक्शन ही वो क्या करेगा, ये एक्शन लेगा. वेयर द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड एंड सब्सिक्वेंटली इट इज नोटिस दैट वॉयलेशन हैज ऑकर्ड. एक मिनट, क्या सीआईटी चेक करेगा वॉयलेशन होगा, आंसर इज नो. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 143(3) के अंदर में एओ के पास पावर है. एओ किसको रिकमेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये पावर किसके हाथ में दिया हुआ है, सीआईटी के हाथ में दिया हुआ है. तो टेक्निकली ये फंक्शन इस तरीके से करेगा कि 143(3) के अंदर में एओ असेसमेंट करेगा, वो अगर कोई नॉन कंप्लायंस ढूंढता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो पावर है ये सीआईटी एक्सरसाइज करेगा.
It has noted the violation has occurred. CIT may cancel the registration after giving OOBH. तो ये cancel कर देगा after giving opportunity of being heard. So क्या ये exemption बड़े काम का है? Answer is no. But आपको हाँ 143(3) का एक power आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जिसके through ये work करेगा. तो जिसने भी मेरा assessment already पढ़ा होगा उसको पता है कि ये chain कैसे घूम रही है. नहीं किया है तो मैं request करूँगा सभी लोगों से कि जा करके तुरंत मैंने YouTube के ऊपर डाला हुआ है assessment का पूरा revision, PGBP का पूरा revision वो फटाफट देख ले. So ये एक और चीज थी जो हमने कंप्लीट कर ली. अब आइए पेज नंबर 10.7 के ऊपर. टेन पॉइंट सेवन डिडक्शंस की बात चल रही है और डिडक्शंस में स्पेसिफिकली 80LA की बात चल रही है. तो 10.7 पे पहुंच जाए, 80LA पे पहुंच जाए. ये एक डिडक्शन जो स्पेसिफिकली काम का है किसके? सीए फाइनल वालों के लिए. बड़े काम की चीज है और इसका जो अमेंडमेंट है मैं इससे बहुत ज्यादा वाकिफ, मतलब मैं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ. इंप्रेस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट में हर जगह हुआ है, डायरेक्ट एक्ट में हर जगह हुआ है. अब मैं आपको बता देता हूँ 80LA पहले किस बारे में बात करता था. 80LA इसके पीछे की अगर हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाए, हम लोगों ने बनाए एसईजेड एरिया. क्या बनाए? एसईजेड एरियाज बनाए और वहां पे बैंकों को बुलाने के लिए फॉरेन बैंक्स जो ऑफशोर यूनिट्स है उनको इनवाइट किया गया और कहा गया कि आप आकर के अपने यहाँ पे यूनिट लगाइए और आपको जितनी भी इनकम हो रही है फ्रॉम ऑफशोर यूनिट स्पेसिफाइड इन एरिया लोकेटेड इन एसईजेड तो हम आपको क्या देंगे, एग्जम्पशन देंगे. राइट पहले जो दिया गया था वो कितने साल का एग्जम्पशन था मैं उस बारे में भी बात कर लेता हूं. आपको पहले 5 साल 100% प्रॉफिट का एग्जम्पशन था और नेक्स्ट 5 साल 50% का एग्जम्पशन था. इस एग्जम्पशंस को भी चेंज किया गया है प्लस इसके अंदर में एक और चीज कही गई है. पहले यहाँ पे सिर्फ एसईजेड एरिया होता था लेकिन आपको पता है मोदी जी ने क्या लेके आया, IFSC लेकर के आया. कहाँ पे? गुजरात में और तेलंगाना में. राइट दो हालांकि फंक्शनल अभी सिर्फ और सिर्फ गुजरात का है तो गुजरात में जो IFSC आया यहाँ पे भी बैंकों को बुलाना बहुत जरूरी था और अगर कोई बैंकिंग यूनिट IFSC में लोकेट कर रहा है तो उसको भी ये बेनिफिट देना जरूरी था और उसी के तहत अमेंडमेंट किया गया. तो टेक्निकली 80LA में दो अमेंडमेंट मिलेंगे आपको, एक एग्जम्पशन के नंबर ऑफ इयर्स को इंक्रीज किया गया है और दूसरा IFSC के जो यूनिट्स है वहां पे भी एग्जम्पशंस प्रोवाइड किया गया है. आइए पढ़ते हैं. The units located in IFSC are provided a deduction under 80LA which is contained under heading the C of chapter 6A. मुझे लगता है ये एक काम की चीज आपसे पूछ सकते हैं, भले ही एज MCQ आपसे पूछे पर ये पूछ सकते हैं whether the banking offshore units located in IFSC would be eligible for 80LA. आपका जवाब आना चाहिए yes. इसी के साथ साथ आपको मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा. सबसे पहले मैंने बात कही है बिफोर अमेंडमेंट क्या था और आफ्टर अमेंडमेंट क्या है, चलिए दोनों भी डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर अमेंडमेंट था 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 5 consecutive असेसमेंट ईयर एंड देयर आफ्टर 50% फॉर द नेक्स्ट 5 consecutive असेसमेंट ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच परमिशन और रजिस्ट्रेशन अंडर द रेलेवेंट लॉ इज ऑब्टेन. तो जब से आपने रेलेवेंट लॉ के अंदर में परमिशन ली है उस साल से 5 साल तक के आपको 100% एंड देन नेक्स्ट 5 साल 50% का बेनिफिट था, यानी ओवरऑल 10 साल का बेनिफिट आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया था. अब चेंज क्या हुआ, इस 10 को कर दिया गया है 15. चेक कीजिए कैसे. ये करने के पीछे लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूं सर. जब यूनिट यहां पे सेटअप किया जाएगा तो ऑलरेडी पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लग जाते हैं, 4-5 साल तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में चल जाते हैं. बिजनेस लॉस आता है तो आदमी वैसे भी टैक्स नहीं भरता. तो बैंक्स एंड जितने भी ऑफशोर यूनिट्स थे उन्होंने कहा कि ये कौन सा बेनिफिट आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले 4 साल तो वहां के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने इनकर किए हैं उसी के लॉसेस क्लेम करने के लिए जाएंगे तो आपको हमें कोई जेन्युइन बेनिफिट देना होगा. इसीलिए इसके नंबर ऑफ इयर्स को बढ़ा दिया गया है और 15 कर दिया गया है पर ओवरऑल बेनिफिट 10 साल के लिए ही रखा गया है. अब ये 10 साल आप कोई भी 15 साल के साइकिल में ले सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ लेट्स से अगर कोई ऑफशोर यूनिट आकर के IFSC में लोकेट करता है
तो पहले 3-4 साल तो वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से पूरे के पूरे लॉसेस क्लेम कर लेगा, और 4-5 साल बाद फिर वो इस बेनिफिट को क्लेम करना शुरू करेगा, सो दैट ओवरऑल बेनिफिट अकॉर्डिंगली 15 साल के हो जाएं। सो, क्या बेनिफिट दिया गया है? 100% वो जो 50% वाला क्राइटेरिया था उसको बाजू कर दिया, 100% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, सच बिजनेस मतलब कौन सा बिजनेस? ऑफशोर यूनिट बैंकिंग बिजनेस, 100% प्रॉफिट ऑफ द सच बिजनेस फॉर 10 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर। साहब अब वो 50 नहीं, डायरेक्ट 100% एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी आउट ऑफ 15 ईयर्स। तो अब क्या कर दिया गया है? 10 आउट ऑफ 15 ईयर्स। ऑब्वियसली कोई भी बैंकिंग यूनिट या ब्रांच जो वहां पे सिचुएटेड होगी वो उसके 3-4 साल बाद ही क्लेम करना शुरू करेगी। बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द परमिशन इज ग्रांटेड अंडर द रिलेवेंट लॉ। नोट, अंडर सेक्शन 80LA ऑल्सो प्रोवाइड डिडक्शन टू एसएससी बींग सर्टन बैंक हैविंग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन SEZ एंड डिडक्शन अवेलेबल टू देम हैज नॉट बीन इंक्रीज एंड स्टेड द सेम एज बिफोर। तो जो सर्टन बैंक्स जिनके ऑफशोर यूनिट SEZ में, उनके बेनिफिट्स को नहीं हलाया गया, वो एज इट इज रखा गया है। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट 115A में भी किया गया है। 115A किस बारे में बात करता है याद दिला दूं, 115A बात करता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा सेक्शन, जिसमें इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जैसी इनकम को क्या किया जाता है? टैक्स किया जाता है। 115A गिव्स द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट इन सर्टन इनकम रिसीव्ड बाय नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। हाँ, ये एक स्पेशल रेट है जहां पे मैं आपको जनरल याद दिला दूं, FTS रॉयल्टी 10% के ऊपर डाला जाता है और इंटरेस्ट इनकम जनरल 20% और बाकी जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनकम है जो 194 के LC, LD, LB के क्राइटेरिया में आता होगा उसके लिए 5% रखा जाता है। However, it also provide for deduction under Chapter 6A cannot be availed for such income. Yes, जो इनकम 115 के A के अंदर में आ रही है उसको कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नहीं मिलता। A proviso has been newly inserted. एक proviso एक्सेप्शन इंक्लूड किया गया है, कहां? 115A, मैं अभी नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ाऊंगा वहां पे भी आएगा। अ प्रोविजो हैज बीन न्यूली इंसर्टेड अंडर 115A व्हिच प्रोवाइड्स दैट डिडक्शन अंडर 80LA कैन बी क्लेम्ड बाय अ यूनिट इन IFSC नॉट बैंक इन SEZ। तो जो IFSC का यूनिट है वो आप क्या कर सकता है, 80LA बेनिफिट क्लेम कर सकता है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो पहले SEZ वाले यूनिट थे, ऑफशोर यूनिट जो SEZ में थे, क्या इनमें कोई चेंज आया है? आंसर इज नो, इनके एज इट इज रखे गए हैं, इनके लिए कोई चेंज नहीं है। जितना चेंज है ये पूरा का पूरा किसके लिए आया है? IFSC के लिए आया है, IFSC के लिए ही ये सारा चेंज है। जहां पे क्या किया गया है, अगेन आपको 10 ईयर का बेनिफिट दिया गया है आउट ऑफ 15 ईयर्स, एंड सेकेंड बेनिफिट आपको ये दिया गया है कि जो यूनिट है IFSC में है, राइट, ये अब क्या कर सकता है, 80LA का बेनिफिट क्लेम कर सकता है अपार्ट फ्रॉम 115A के स्पेशल टैक्स रेट। क्या इंडिकेट कर रहा है? सिंपली नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल है सर, इंडिया बहुत दिनों से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी जब 2014 में भी आए थे अगर आपको याद होगा तो उन्होंने बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स की थी और अलग अलग कंपनी को इनवाइट किया था कि आप इंडिया में आइए और मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब ऐसे केस में होता यह है कि अगर हम नॉन रेसिडेंट्स को इंडिया में बुलाएं और इनके टैक्स रेट आपको पता है 40% है, इन पे हायर टैक्स रेट लगाए और इन्हें अगर कोई स्पेसिफिक बेनिफिट या डिडक्शंस भी ना दें तो नॉन रेसिडेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जब उसके पास इतने टैक्स हेवन वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं। हेंस टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू वर्क और बेटर प्लेस टू मैन्युफैक्चर, इसी के लिए इन्होंने क्या किया है, ये बेनिफिट प्रोवाइड किया कि जो लोग IFSC में आते हैं, जो नॉन रेसिडेंट एसएससी IFSC में आते हैं, राइट, ये 115A के टैक्स रेट का भी बेनिफिट ले पाएंगे प्लस 80LA का भी बेनिफिट ले पाएंगे। Hence, post amendment where the assessee has a unit in IFSC, deduction cannot be claimed under any section other than 80LA from income being taxed under 115A. So, वापस कुल मिला के समअप कर देता हूं, जो ऑफशोर यूनिट SEZ में है उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं, वो बिल्कुल सेम एज इट इज चल रहे हैं। जो IFSC लोकेटेड है अब उनको 80LA में बेनिफिट मिलेगा। जो IFSC लोकेटेड है, IFSC में यूनिट लोकेटेड है 80LA के अंदर में, उन्हें 10 साल का बेनिफिट दिया जा रहा है आउट ऑफ 15 ईयर्स। ऑफशोर यूनिट जो SEZ में है उनके लिए आज भी बिल्कुल वैसा ही रखा गया है, उनके लिए कोई चेंज नहीं है।
तीसरा जो आईएफएससी, जो आईएफएससी में यूनिट लोकेटेड है, जनरली 115A के अंदर में टैक्स हो रहे हैं स्पेशल रेट से, उनको चैप्टर 6A के कोई डिडक्शन नहीं मिलते, पर आईएफएससी यूनिट वालों के लिए ये बेनिफिट भी ओपन किया गया है। तो कुल मिला के क्या बेनिफिट, आईएफएससी अब एटीएलए का बेनिफिट ले पाएगा, 10 ईयर्स फॉर 100% ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ 15 ईयर्स, तीसरा 115A के स्पेशल टैक्स रेट के साथ साथ वो यहाँ का बेनिफिट भी क्लेम कर पाएगा, राइट, एटीएलए के भी रिडक्शंस क्लेम कर पाएगा। सो टेक्निकली आईएफएससी में बहुत बड़ा बेनिफिट, और जो आईएफएससी इंडिया में बना है उसको प्रमोट करने की बेहतरीन कोशिश की गई है। क्या ये काम का है? मुझे लगता है यस, ये काम का है। कहाँ काम आएगा? मुझे पर्सनली लगता है कि ये आपसे अगर उनको पूछना भी है तो वो आपको मेरे हिसाब से पेपर 6C में पूछेंगे। पेपर 6C में इसलिए पूछेंगे क्योंकि पेपर 6C के अंदर में आईएफएससी रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट है, और 115A यू नो वैसे ही बच्चों की टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट में फटती है, तो पेपर 6C के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो अगर आप लोगों में से पेपर 6C कोई दे रहा है, ये प्रोविजन आप बिल्कुल याद रखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए, ये एक और अमेंडमेंट हमने कंप्लीट किया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पेज नंबर 11.8 पे आने की। ये वो छोटे छोटे अमेंडमेंट है जो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर में है, और पहले दो अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर में मैंने ऑब्वियसली इसे कवर नहीं किए थे। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है क्या? आंसर इज नो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये काम का है। ये अमेंडमेंट आप छोड़ भी देते तो भी चलता, बट स्टिल मैं यू नो सीए फाइनल में कुछ भी छोड़ा हुआ कभी भी बेहतर नहीं है। सो आई विल ऑलवेज से कि अमेंडमेंट है तो इसे पढ़ डालो, पढ़ के एक बार का खत्म कर डालो। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी छोड़ा हुआ सीए फाइनल में मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता, एंड स्पेशली अब। प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड सेक्शन 239। चलिए इसे बाजू करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप में से जितने लोगों ने भी आज तक के आर्टिकलशिप की है, राइट, या मेरे ऑफिस में भी जो बच्चे काम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं, मैं फटाफट उनसे बात करता हूँ, क्या हमने अगर एसएससी को रिफंड आ रहा होगा तो रिफंड के लिए क्या कोई सेपरेट फॉर्म भरा कभी? आपको बता दूं ये एक ओल्ड प्रोसीजर थी, जहां पे एसएससी का कोई रिफंड आ रहा था तो हम क्या करते थे, एक फॉर्म नंबर 30 रहता था, हम फॉर्म नंबर 30 भरते थे और रिफंड को क्लेम करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 4-5 साल से, जब से यू नो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ज्यादा सक्रिय हो चुका है, तब से हम लोग ऐसे कोई फॉर्म स्पेसिफिकली नहीं भरते, राइट, और हम सिर्फ एक रिटर्न ऑफ इनकम भरते थे। ये रिटर्न इमीडिएटली प्रोसेस होता था 143(1) के अंदर में, और अगर 241A के अंदर में एओ को कोई शक असेसी के ऊपर नहीं है या वो उसका असेसमेंट नहीं करने वाला था, तो ये रिफंड कुछ दिनों में ही रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आपको क्या कर दिया जाता था, ग्रांट कर दिया जाता था विदाउट फाइलिंग दिस प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब देख रहे थे जब ये प्रोविजन लिखा था 239, राइट, कई बार देखा जा रहा था कि एओ क्या कर रहा था, रिफंड असेसी का रोक लेता था ये बोलते हुए कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म भरा ही नहीं रिफंड के लिए, जबकि असेसी कहता था कि अब तो ये प्रोसेस है ही नहीं, हमने तो नहीं देगा किसी का भी ऐसा करते हुए। कई बार ऐसे सीए करता करता था कि आप मेरे क्लाइंट का रिफंड क्यों नहीं इशू कर रहे, आप बोले आपने फॉर्म ही नहीं भरा, और क्लाइंट के सामने यू नो सीए को झूठा करार कर दिया जाता था कि इन्होंने तो फॉर्म ही नहीं भरा, मैं रिफंड कहां से इशू करूं। ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा पुरानी प्रैक्टिस को हटाने के लिए एक प्रोविजन को लेके आया गया, जिसे कहा गया कि अब आपको स्पेसिफिकली ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रिफंड क्लेम करने के लिए, आप डायरेक्टली रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे, लॉस क्लेम कर लेंगे, और आपको रिफंड उसी के तहत क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस इतना सा है, सीधे शब्दों में अब जो पहले रिफंड अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म भरा जाता था, अब वो फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है, आपने रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, ऑटोमेटिक आपको रिफंड ग्रांट हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या कर दिया है, ये पर्टिकुलर फॉर्म को साइन कर दिया गया है। सो चेक करिएगा प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड बिफोर अमेंडमेंट, चेक करेंगे बिफोर अमेंडमेंट असेसी हैड टू फर्निश फॉर्म नंबर 30 टू क्लेम रिफंड इन केस ऑफ पेमेंट मेड बाय असेसी एक्सीड्स द टैक्स पेबल बाय हिम,
ऑल्सो देर वॉज अ टाइम लिमिटेशन एज टू द लास्ट डेट वेन दैट फॉर्म कुड बी फर्निश्ड. दिस वॉज रिजल्टिंग इन अननेसेसरी डिफिकल्टी टू असेसी. हेंस 239 हैज बीन अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19 एंड द बेल टेक्स्ट इज एज अंडर. Every claim of refund under this chapter shall be made by filing return in accordance with the provision of 139. So, जो आप 3-4 साल से अब जो practice हो चुकी थी कि आप return भर दीजिए, automatically आपको refund आ जाएगा, unless AO को कोई शक है under section 241A. ये part कहाँ cover होता है? Assessment में cover होता है, या आप जब 143(1) पढ़ते रहेंगे तब भी आपको ये point पढ़ाया जाता है. So now there is no need to file a separate form for refund and this is the simple amendment. जो आपको क्या कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है. बट मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, और ये अब नॉर्मल प्रैक्टिस का पार्ट है. चलिए, डोमेस्टिक टैक्स मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म हो चुका है, बट फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं. नहीं, एक और चीज बाकी है, डीमर्जर. डीमर्जर का डेफिनेशन If I'm not wrong, capital gain के अंदर में आपको ये मिलेगा. Yes, page number 6.4, demerger का definition change हुआ है. इस point पे आ जाइए फटाक से. Definition पढ़िए, discuss करते हैं. चलिए बात कर लेते हैं. टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर एक ऐसा पॉइंट जो सीए फाइनल के अंदर में रेलेवेंट होता है. आपको पता होगा डीमर्जर की कंडीशंस थी. क्या कंडीशंस होती है डीमर्जर की? डीमर्जर की कंडीशंस होती है असेट एंड लाइबिलिटी हैज टू बी रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी. इनकम टैक्स, इंड एएस. इंड एएस के अंदर में जब आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में जो कंपनीज इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज है दे हैव टू रिकॉर्ड द वैल्यू अपार्ट फ्रॉम द बुक वैल्यू. That is the fair market value of the liability has to be taken in case as per the Ind AS. आपको याद होगा Ind AS के चक्कर में ही हमारे पास MAT के amendments भी हुए थे पिछले साल. Point क्या था? अब demerger के अंदर में देखिए, demerger की conditions कहती है कि आपको value वही records करनी होगी जो books of accounts के तहत है, जबकि Ind AS कह रहे हैं कि आपको value जो होती है ये apart from book value different value record करनी थी. असेसी जो था बींग अ कंपनी जो इंड एएस कंप्लायंट कंपनी है वो परेशान हो जा रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या, मुझे इंड एएस फॉलो करना है या अकाउंटिंग, यू नो इंड एएस फॉलो करना है जो हमें प्रोवाइड किया गया है या इनकम टैक्स के कंडीशंस को फॉलो किया जाए. इन शॉर्ट इनकम टैक्स के अंदर में डीमर्जर की डेफिनेशन में सुटेबल अमेंडमेंट नहीं थे जो इंड एएस को कंप्लाई किया जाए. इसी के तहत क्या किया गया, डीमर्जर की डेफिनेशन जो सेक्शन 219AA के अंदर में लिखी हुई है उसे अमेंड किया गया और सूटेबल प्रोविजंस इंसर्ट की गई जो कहती है कि अगर कोई असेसी डीमर्जर के बाद अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द बुक कोई वैल्यू रिकॉर्ड कर लेता है तो ये इसका नॉन कंप्लायंस नहीं होगा और ये परफेक्टली वैलिड माना जाएगा. सीधे शब्दों में चेक कीजिए, इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी एट अ वैल्यू डिफरेंट देन द बुक वैल्यू ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी. इन ऑर्डर टू अकोमोडेट सच कंपनीज हैज बीन अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 2021. द अमेंडेड प्रोविजंस प्रोवाइड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वेयर प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी received by it are recorded at a value different from value appearing in books of accounts. So demerger के केस में अगर कोई आपने value different भी record की है हम इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये violation है demerger की conditions का. Hence इतना सा amendment इसके अंदर में लाया गया है. इसको कैसे पूछा जा सकता है? मुझे लगता है इसे केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जा सकता है. बोला जा सकता है आपको कि कुछ कंपनीज है, अब देखिए जब
इंस्टीट्यूट आपको मिक्स करेगा, इसमें चार पांच क्वेश्चन मिक्स कर देगा। सबसे पहले तो वो कर देगा कि भैया डीमर्जर हो रहा है, डीमर्जर के अंदर में असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, बताइए ये ट्रांसफर है या नहीं। आपको सेक्शन 47 की कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, बराबर है, प्रोवाइडेड कंडीशन आर सेटिस्फाइड। प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और कैरी फॉरवर्ड का पॉइंट भी आपको मिला के पूछ लेंगे कि नए साल मिलेंगे या एग्जिस्टिंग ईयर्स मिलेंगे, और लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कंडीशंस क्या है, तो जो हमने सेट ऑफ में पढ़ा था वो प्रोविजंस आपको मिक्स कर देंगे। और तीसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको डाल देंगे कि भैया जो वैल्यू रिकॉर्ड की गई है ये अपार्ट फ्रॉम बुक वैल्यू रिकॉर्ड की गई है, क्या इसे अप्रोप्रिएट माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एग्जम्पशन। यहां इस तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ रेलेवेंट हो सकता है अगर वो आपसे डीमर्जर का क्वेश्चन पूछे तो। सो यस, ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग वापस से नोट्स में चल जाते हैं। मैंने नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का पार्ट पूरा का पूरा रोक रखा है, मैं सारे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एक साथ बता देता हूं, सो दैट पेपर 6C वालों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको जितने इसमें प्रोविजन है वो सारे उनको है ही है। तो मैं एक बार वापस से शुरुआत से नोट्स चालू कर रहा हूं और देख रहा हूं कि मैंने सब कुछ कवर किया है कि नहीं, क्योंकि जो पहले का लेक्चर रिकॉर्डेड था और जो अब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब यू नो मेरे को भी एक बार देखना चाहिएगा, और मैं खुद नहीं चाहता कि मैं कोई भी प्रोविजन मिस आउट कर दूं। हालांकि मैंने अमेंडमेंट इतने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जरूर दिए कि आप उसको सेल्फ भी रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, बट स्टिल आई फील दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई शुड कंप्लीट इट। सबसे पहले पेज नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वी हैव डन इट। रिबेट सरचार्ज, वी हैव डन इट। मार्जिनल रिलीफ एंड द न्यू सेक्शन 115BA सीरीज, वी हैव डन इट। बेसिक लेक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का सेक्शन 9 वाला अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया, 9A वाला पार्ट। जी हाँ, 9A वाला पार्ट इंटरनेशनल टैक्स के अमेंडमेंट्स को पूरा एक साथ देखते हुए करेंगे, तो ये पेंडिंग है, मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ पेंडिंग। इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये वाले दोनों पार्ट भी पेंडिंग रख रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड है। क्लोजर ऑफ एनपीएस हो चुका है, 1034 हो चुका है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कंप्लीट, ये सैलरी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। एचपी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम लोगों ने पूरे कवर कर लिए हैं, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी वाला भी कवर कर लिया है। पीजीबीपी रिलेटेड ये तीनों अमेंडमेंट हमने कवर कर लिया, 43(1), 43CA वाला अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर दिया, 44AD, 40AI वाला अमेंडमेंट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, 43B कंप्लीटेड। डीमर्जर वाला पार्ट कंप्लीट, फेयर मार्केट वैल्यू वाला पार्ट कंप्लीट, नोटिफिकेशन कंप्लीट, अमेंडमेंट इन 54 कंप्लीटेड, टैक्सेशन ऑफ बायबैक ये इंपॉर्टेंट भी मानक मार्क कराया था मैंने, आप एक बार देख लेना, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में एक और बार आपसे रिवाइज कराऊंगा, 54GB वाला अमेंडमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया था, 112A वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। नोटिफिकेशन 62018 वी हैव डन इट, प्रेस नोट वी हैव डन इट, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स वी हैव डन इट, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वी हैव डन इट, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का डन हो गया था। देन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी वी हैव डन इट, सब एनसीएलटी से रिलेटेड अमेंडमेंट था इसके अंदर में। एटीसीसीडी बहुत अच्छे से कर लिया था हमने। ATEEA done, EEB done, ATIBA done,
ये अभी हमने किया ATLA, 194A, 206A, we have done it. DA done, 194I done, 194IA done, M done, 194N done. M और N तो खैर अमेंडेड वाले पार्ट है, तो इसको तो वैसे भी आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना. कंफर्म लगता है मुझे आएगा. अमेंडमेंट इन सेक्शन 195, ये इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट है, मैं इसे रख रहा हूं पेंडिंग. हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुआ है. 239 डन, 139 डन. 139 के अंदर में 54F के एग्जम्पशंस हुए, वो देख लेना. रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन, वी हैव डन इट. 139AA वी हैव डन, आधार रिलेटेड अमेंडमेंट. 139C वी हैव डन. 234ABC में जो 89(1) का रिलीफ हुआ है, वी हैव डन. एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, यस, इसे रखा गया है पेंडिंग. इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट है, तो मैं अभी ही पूरे के पूरे आपको वापस से प्रोवाइड करता हूँ. अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स पेंडिंग, इंटरनेशनल टैक्स का ही पार्ट है. क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट अगेन पेंडिंग, इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट. पॉलिटिकल पार्टी टैक्सेशन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पेंडिंग. मिसलेनियस टॉपिक, पेंडिंग. पेनाल्टीज, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, दैट्स इट. सो मेजरली कुछ चीजें बाकी है. मिसलेनियस टॉपिक पे आइए, पेज नंबर 14.2. मिसलेनियस टॉपिक पे आइए, ये इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड नहीं है, यहीं से रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहला अमेंडमेंट 269SS के अंदर में हुआ है. 269SS किस बारे में बात करता है? एक्सेप्टिंग. आप कोई भी लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं 20,000 से ऊपर, तो ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस से होना चाहिए. अदरवाइज आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी? अमाउंट इक्वल टू द लोन एंड अदर थिंग पेनल्टी लगाई जाती है. लोन या डिपॉजिट जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्टर के ऊपर 269SS लगता है. अब उन्होंने बोला था 20,000 के ऊपर जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, इट शुड बी प्योरली बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस. जहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है, आपको तो याद होगा, एक और वर्ड ऐड किया गया है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो बस उतना सा अमेंडमेंट है यहाँ पे 269SS के अंदर में, जो कहता है कि आप अगर कोई भी 20,000 से ऊपर का पेमेंट या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट शुड बी बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो एक जगह याद रखना पड़ेगा, पूरे एक्ट में जहां जहां पे भी अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस लिखा था, वहां हर जगह पे इन्होंने अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड को क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है. सिमिलर अमेंडमेंट हुआ है 269T के अंदर में. 269T जब रीपेमेंट की बात आती है, जब रीपेमेंट की बात आती है, किसी को पे करने की बात आती है, राइट, उस टाइम पे भी जो 20,000 से ऊपर का आप रीपेड कर रहे हैं, ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस वर्ड लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे भी एक और अमेंडमेंट किया गया है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो सिमिलर अमेंडमेंट, यू नो, 40 की सीरीज में भी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी में भी हुआ, 269SS&T के अंदर में भी हुआ, एंड 269ST के अंदर में भी सेम पर्सन हुआ. कोई भी पर्सन एक दिन के अंदर में, एक व्यक्ति से अगर 2,00,000 से ऊपर रिसीव कर रहा होगा, तो ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए. तो यहां पे भी एक सिमिलर अमेंडमेंट किया गया है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला अमेंडमेंट. तो बिल्कुल आप यही समझे, 269SS, 269T एंड 269ST, तीनों जगह वही अमेंडमेंट हुआ. जहां पे अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट और ईसीएस लिखा था, वहां अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी क्या कर दिया गया है? एक वैलिड पेमेंट मोड मान लिया गया है.
सो नाउ दिस इज ओवर, आइए पेनाल्टी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले पेनाल्टी की बात करूंगा, 272B की हमने डिस्कस किया है, फिर भी आप एक बार पढ़िए। आपको याद होगा आधार और पैन का इंटरचेंज हुआ है, ये सुनो। और इनकम टैक्स के अंदर में निर्मला सीतारमन जी ने क्लियर कट बोला है कि जिस जिसके पास आधार है पर क्या नहीं है, पैन नंबर नहीं है, हम उन्हें क्या करेंगे, पैन अलॉट करेंगे, राइट। अब ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, 272B जहां पे सिर्फ नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार की पेनल्टी, नॉन इंटीमेशन ऑफ पैन की पेनल्टी थी, वहां पे ऑब्लिक करके आधार भी ऐड कर दिया गया है। जिसका मीनिंग ये है, अब अगर आपके पास आधार है और आप आधार कम्युनिकेट नहीं करते या इसके साथ पैन लिंक नहीं करते, तो जो पेनल्टी फॉर नॉन प्रोवाइडिंग ऑफ पैन थी, वही पेनल्टी अब किसके लिए भी वर्क करेगी, आधार के लिए भी वर्क करेगी। तो सेक्शन 272B इंटीमेशन वाले पॉइंट में पैन को ऑब्लिक करके आधार भी ऐड कर दिया गया है, और यही हुआ है अमेंडमेंट। तो अब आपसे हो सकता है एमसीक्यू के अंदर में पूछा जाए कि आधार अगर आप प्रोवाइड नहीं करते या आप अपना आधार इंटीमेट नहीं करते तो आपको पेनल्टी क्या है, आपको यहां पे लिखना चाहिए 10,000 रुपीज फॉर डिफॉल्ट, ईच डिफॉल्ट लेवी किया जाएगा, और यही है अमेंडमेंट। बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है, आप खुद भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज शेल बी लेविड फॉर ईच डिफॉल्ट, कैसा बेटा, ईच डिफॉल्ट। अ न्यू सबसेक्शन 2A हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट एंड ऑल्सो ऑथेंटिकेट हिज पैन ऑब्लिक आधार नंबर फेल्स टू डू सो, एओ मे डायरेक्ट सच पर्सन टू पे बाई वे ऑफ अ पेनल्टी 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। अ न्यू सबसेक्शन 2B हैज ऑल्सो बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर पैन एंड आधार हैज बीन कोटेड ऑथेंटिकेटेड फेल्स टू डू सो, ही मे अप्लाई फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। बिफोर पासिंग सच ऑर्डर ही विल ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। हालांकि ऐसे कोई भी पेनल्टी ऑर्डर लगाने से पहले OOBH देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये 272B का पेनल्टी मुझे लगता है आएगा तो भी एमसीक्यू के तहत आ सकता है। टू सेवेंटी सिक्स डबल सी अगेन एक पेनल्टी के अंदर में अमेंडमेंट, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़ लो फिर आपको बात करते हैं। टेक्निकली प्रोसिक्यूशन पेनल्टी से रिलेटेड है। किस बारे में बात चल रही है, बात चल रही है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में। प्रोसिक्यूशन कब लगाया जाता है, प्रोसिक्यूशन प्रैक्टिकली लगाया जाता है किसके ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि वही जेल जा सकता है, कंपनी जा नहीं सकती। तो जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा दिख जाएगा अदर देन कंपनी वर्ड यूज किया हुआ। तो किसी भी पर्सन राइट को अगर रिटर्न भरना था, उसकी टैक्स लाइबिलिटी 3,000 रुपए से ऊपर जा रही थी कैलकुलेशन करने के बाद, जो 276CC के अंदर में था, तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के प्रोसीडिंग भी क्या किए जाते थे, इनिशिएट किए जाते थे। अब 3,000 रुपए आज की डेट में बहुत छोटी अमाउंट हो गई, और इसी के लिए इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया और इसे 10,000 पे लाया गया। ये 10,000 वैसे भी रिलेवेंट था और बहुत अच्छा सोच के 10,000 लाया गया, क्योंकि 10,000 से कहीं ना कहीं आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी भी शुरू होती है, इसीलिए 3,000 से 10,000 की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। मतलब 276C के कैलकुलेशन, टैक्स पेबल कैलकुलेशन के बाद अगर टैक्स पेबल 10,000 से ऊपर आ रहा है, तो ही एओ आपके ऊपर क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। सो व्हाट इज द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इज जो प्रोसिक्यूशन के लिए 3,000 रुपए का लिमिट था, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 10,000 कर दिया गया है, राइट। चलिए, सो 276CC प्रोवाइड्स दैट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अगेंस्ट अ पर्सन शेल नॉट प्रोसीड अगेंस्ट फॉर फेलियर टू फर्निश इन ड्यू टाइम इफ द टैक्स पेबल
ऑफ सच पर्सन नॉट बींग अ कंपनी डज नॉट एक्सीड 3,000। तो हम प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग कभी नहीं बढ़ाते थे अगर 3,000 के ऊपर उसका टैक्स पेबल ना निकले। इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द अफोरसेड अमेंडमेंट 276CC, द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस। द थ्रेशहोल्ड लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3,000 टू 10,000। सो अब प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग तभी जाएगी जब आपने रिटर्न नहीं भरा और आपका टैक्स पेबल आफ्टर कैलकुलेशन कितने से ऊपर जा रहा है, 10,000 से ऊपर जा रहा है। द थ्रेशहोल्ड सीलिंग ऑफ 10,000 शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टैक्स पेबल बाय डिफॉल्टर ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड एज पर रेगुलर असेसमेंट, जो आपका असेसमेंट है उसके तहत जो डिटरमाइन हुआ वो टैक्स, माइनस एनी एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बिफोर द असेसमेंट ईयर एंड एनी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। ये माइनस करने के बाद जो टैक्स बचता है, अगर ये बैलेंस टैक्स कितने से ऊपर जा रहा होगा, 10,000 से ऊपर जा रहा होगा, तो ही प्रोसिक्यूशन चालू किया जाएगा। सो इफ द बैलेंस इज 10,000 और लेस, सेक्शन 276CC विल नॉट अप्लाई। सिंपली मीन्स ये 10,000 के ऊपर जा रहा होगा बैलेंस, तो ही आप पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। ये थी डिटेल के अंदर अमेंडमेंट्स। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा है, अगर आपको अमेंडमेंट्स पसंद आए हो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि COVID-19 के अंदर में भी सारे टीचर्स, मैं ही नहीं इनफैक्ट सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। पेनल्टी में एक और अमेंडमेंट 271FAA पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए यहां पे एक सेक्शन लिखा है 285BA। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके ये ढूंढे कि 285BA क्या है और उसके बाद ही इसे पढ़ें। आप कोई भी बुक निकालें, फटाफट जाके ढूंढे 285 है क्या, तो आपको ये अमेंडमेंट एक मिनट के अंदर में समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी आप सभी लोगों से। सुना तो होगा SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड एसएससी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। अब यहां तक के कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करना है, लेकिन अब तक के ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था जहां पे फर्निश करना है ये लिखा है। अगर इनएक्यूरेट फर्निश किया तो क्या होगा, इसकी कोई पेनल्टी के क्लॉजेस नहीं थे और ये लाना बहुत जरूरी था, ये लाना बहुत जरूरी था। 1 सितंबर 2019 से एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया कि जो लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, अगर इसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई, तो ₹50,000 की पेनल्टी आपके ऊपर अप्लाई की जाएगी, और बस इतना ही है ये। तो क्या है ये, ये बात करता है SFT की, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो इंफॉर्मेशन देनी है, अगर ये इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकली चेक करने के बाद, तो जिसने भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके ऊपर ₹50,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। मेरे हिसाब से 50,000 की पेनल्टी बहुत कम पेनल्टी है, पर खैर इन्होंने कुछ तो लगाया, अब तक के तो ये प्रोविजन था ही नहीं। तो चेक करते हैं, अ पेनल्टी ऑफ 50,000, अ पेनल्टी ऑफ 50,000 हैज बीन प्रोवाइडेड, द सेड प्रोविजन ऑफ 271FAA हैज बीन अमेंडेड सो एज टू एक्सटेंड द पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू ऑल पर्सन referred in 285BA। तो 285BA के अंदर में एक पेनल्टी एक्सटेंड की गई है कि अगर इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, अगर ये इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट निकली, ₹50,000 तक की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। हालांकि मैं आप सभी को इसके पहले भी बता चुका हूं कि पेनल्टी ऐसे ही नहीं लगती, पेनल्टी को क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। सो ऑब्वियस ही बात है, इनिशिएट होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। अगेन हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया और आई गेस अब सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट वाले पार्ट बाकी है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फटाफट एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम लोग सीधे और सिर्फ जो टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट्स है या इंटरनेशनल टैक्स अमेंडमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हैव अ लिटिल ब्रेक, टेक केयर। यस वेलकम अगेन।
अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स की, जो सीए एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए रेलेवेंट है, जो जुलाई एंड नवंबर दिसंबर 20 के अंदर में एग्जाम दे रहे हैं, राइट। और पेपर 7 एंड 6 सी सीए फाइनल वालों दोनों सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट अमेंडमेंट्स है, तो आप इसे पेपर 6 सी के लिए भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज पेपर 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट मैंने नॉर्मल अमेंडमेंट्स के साथ मिला करके दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप चेक करेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको टेलीग्राम लिंक, जहां पे आपको ये अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट मैंने अलग से अपलोड कर दिए है, साथ साथ में जुडिशियल अपडेट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है, आपको जाकर के फटाफट वहां पे देखना होगा। तो आइए फटाफट अब मैं अमेंडमेंट्स इंटरनेशनल टैक्स की बात कर लेता हूं। जैसा कि आपको पता है मैंने डायरेक्ट टैक्स पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स अलग से कर लिया है, और अब हम आ गए हैं कहां पे, इंटरनेशनल टैक्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स में। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा पेज नंबर 13.4, पेज नंबर लेके आ जाओ 13.4, और 13.4 पे एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है जो आया है सेक्शन 286 के अंदर में। तो फटाफट आ जाइए पेज नंबर 13.4 के ऊपर 286 के अंदर में एक रेलेवेंट अमेंडमेंट हुआ है। हालांकि ये अमेंडमेंट इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, पर अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है, एंड वी ऑल नो आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट रॉन्ग और आईसीएआई, तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, पिछले अटेम्प्ट में इसके ऊपर फोकस भी आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग हमें देनी होती है, जो भी पेरेंट एंटिटी है इंडिया में उसे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग देनी होती है, और ये कंट्री रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर्स के लिए देनी होती है। हालांकि इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिसिंग था वो ये था कि अकाउंटिंग ईयर का डेफिनेशन क्या होगा, और यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर का डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग क्या है। सो लेट्स से इफ पेरेंट एंटिटी या अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी ऑलरेडी इंडिया में रेसिडेंट है, तो प्रीवियस ईयर का जो हम इनकम पकड़ते हैं हम बस वही प्रीवियस ईयर लेंगे जो हम इनकम टैक्स पर्पस के लिए लेते हैं। मान लीजिए अगर वो अकाउंट पेरेंट एंटिटी इंडिया में नहीं है या अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में नहीं है रेसिडेंट, तो ऐसे केसेस में फिर जो हमें अकाउंटिंग ईयर लेना होगा वो अकाउंटिंग ईयर लेना होगा जो एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर इंडिया में रेसिडेंट हो तो प्रीवियस ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर होगा, अगर इंडिया में रेसिडेंट नहीं हो तो फिर उस कंट्री में जो आपका अकाउंटिंग ईयर माना जाता है हम वो एज इट इज अडॉप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा जी, सो ध्यान से सुनिएगा, अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर with effect from 1617 to remove the unintended anomaly. This amended definition of accounting year has been given below. देखिएगा क्या है। So if the parent entity or alternate reporting entity is resident, अगर आप resident होते हैं तो it means the previous year. In other case मतलब who is a non-resident, right? So who is a non-resident? Accounting period means with respect to which parent entity of international group prepare its financial statement under any law for the timing in force or applicable to accounting standard of the country or a territory in which parent entity is resident. तो बहुत simple सा clarificatory amendment था, exam point of view से आपको इसको बहुत ज्यादा focus करने की जरूरत नहीं है, राइट। आ जाइए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में ही है, तो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट, बहुत बड़ा बोलूंगा मैं, बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आइए ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के अंदर में दूसरा अमेंडमेंट हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के अंदर में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के अंदर में यह अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट आपको बता देता हूं क्या था, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स को हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका ट्रांसफर प्राइसिंग एएलपी कैलकुलेट किया है विद द रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, तो होता यह था कि जो असेसमेंट वो करता था इसे हम कहते थे प्राइमरी एडजस्टमेंट, और साथ ही साथ में सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स भी करनी होती थी, मतलब जो प्रॉफिट्स आपके बाहर चले गए हैं या जो किसी तरीके से बेस इरोज करके आपने प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट के तहत अदर एंटिटी से वो पैसा वापस लाया जाता था। सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के तहत क्या करना होता था मैं आपको बता दूं, 90 डेज के अंदर में जितना भी एडजस्टेड अमाउंट है जो एएलपी के हिसाब से है उसको आपको इंडिया में रिपैट्रिएट करना होता था। अगर आपने इंडिया में इसे रिपैट्रिएट नहीं किया तो इसे लोन माना जाता था और आप इंटरेस्ट भी वसूल करते थे किससे, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से। सो जो आपका प्रॉफिट
प्राइमरी एडजस्टमेंट्स में बढ़ा, अगर 90 डेज के अंदर में ये रिपैट्रिएट नहीं हुआ तो आप अपने ही एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को लोन दिया है ऐसा माना जाता था, और आप उनसे ही क्या वसूल करते थे, इंटरेस्ट वसूल करते थे। हालांकि दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे। एक, सामने वाला एंटिटी बोलता है जा मेरे को देना ही नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं, तू कुछ भी कर ले मेरे को नहीं देना, क्या लगाओगे इंटरेस्ट लगाओगे, लगाओ इंटरेस्ट, मैं नहीं देता, आगे बोलो। सामने वाला बोलता था मैंने पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वर्जिन आइलैंड्स के अंदर में है, और वो वर्जिन आइलैंड्स क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर में, लेट्स से इराक के अंदर में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यहां पे इंडियन एओ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का प्राइमरी एडजस्टमेंट करता है और सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के लिए सामने वाले को बोलता है कि आप इतना पैसा इंडिया में रिपैट्रिएट करो। दूसरा बोलता है मैंने तो ऑलरेडी पैसा क्या कर दिया, इराक के अंदर में ट्रांसफर कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तुम इंटरेस्ट लगाओ कुछ भी लगाओ। ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए इस बार एक से ज्यादा ऑप्शन लाए गए हैं, अब तक एक ही ऑप्शन था। आपने यहां पे अगर उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग से एडजस्टमेंट इनकम बढ़ाई तो सामने वाले को लोन एंट्री मार करके आप इंटरेस्ट ले लो। सामने वाला बोलता था मैंने पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे केसेस में ऑप्शन टू लाया गया। क्या लाया गया बोलो जल्दी, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू लाके बोला गया कि मान लो आपने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया उसके पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी दूसरे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ में क्या ले लो, पैसे लेके आ जाओ, पर आप पैसे तो लेके आओ। वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पैसे नहीं दे रहा, इट्स ओके, उसके पास पैसे नहीं है, इट्स ओके, आप दूसरे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ क्या करो, पैसे लेकर के आओ, हमें नहीं मालूम पर 90 डेज में हमको रिपैट्रिएशन चाहिए इंडिया के अंदर में। अब ऐसे केसेस में इनको पता था कि एक और सवाल हो सकता है, सामने वाला बोलेगा मेरे और कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है ही नहीं। दूसरा जवाब आ सकता था मेरे दूसरे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के पास भी पैसा है ही नहीं। ऐसे केसेस में इन्होंने तीसरा ऑप्शन भी खोल दिया, यानी दो जो ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूं ये अमेंडमेंट के पार्ट बता रहा हूं, तीसरा ऑप्शन इनने खोल दिया। तीसरा ऑप्शन इनने खोला, ठीक है अगर तुम पैसा वापस नहीं ला सकते या तुम्हारा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पैसा नहीं दे रहा होगा, आपने बड़ा सिंपल काम करना है, आपने खुद 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 इस इनकम के ऊपर 18% पे कर दो, प्लस 12% सरचार्ज, प्लस 4% सेस, आप खुद इसे पे कर दीजिए, सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं, भूल जाओ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सो क्या अमेंडमेंट हुआ है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट, कंफर्म जुलाई 20 या नवंबर 20 के अंदर आने वाला अमेंडमेंट, इसे कंफर्म पढ़ के जाना है पेपर 6C एज वेल एज पेपर 7 के लिए। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है, ALP कैलकुलेट करता है, कौन, AOALP कैलकुलेट करता है। जैसी ALP कैलकुलेट हुई ये हुआ आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना होता है जैसी इनकम आपकी बढ़ाई, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में इनकम कम हो नहीं सकती, बाय डिफॉल्ट में जैसी आपकी इनकम बढ़ाई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से पैसा लेके आओ। अब तक यही लॉ हुआ करता था कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मनी रिपैट्रिएट करो, कितने दिन के अंदर में, 90 डेज के अंदर में आपको मनी रिपैट्रिएट करना है, ऑप्शन वन। फाइनेंस एक्ट 19 ने और दो ऑप्शन खोल दिए, ऑप्शन नंबर टू, बोलो क्या, ऑप्शन नंबर टू, आपसे नहीं होता किसी दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइजेस से लाओ लेकिन पैसा लेकर के आओ, उस एंटिटी के पास नहीं है, इट्स ओके, कोई भी दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइजेस के पास से लेकर आ जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर पैसा इंडिया में चाहिए, मतलब चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये पहले भी आ चुका है, लेकिन अरुण जेटली साहब थे जिन्होंने इस लॉ को 100% इंप्लीमेंटेशन के अंदर में लेके आया था, और 2019 से निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी हाल में टैक्सेशन को छोड़ने वाले नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा, तुम रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, कोई दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइजेस से नहीं ला सकते, ऑप्शन नंबर तीसरा तुम पे करोगे, कितना, 18% पे कर दो, प्लस इस पे 12% सरचार्ज, सिंस कंपनी या कोई भी एसएससी हो 12% का सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% सेस, काम खत्म, आप इतना पे कर दो, अब हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट तुमसे डिमांड ही नहीं करेंगे। सो जहां पहले सेकेंडरी एडजस्टमेंट के अंदर में सिर्फ एक एडजस्टमेंट होती थी, अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट के अंदर में तीन एडजस्टमेंट हो गई है। ऑप्शन वन, उसी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से रिपैट्रिएट करो, ऑप्शन टू, उससे नहीं कर सकते किसी दूसरे से कर लो, ऑप्शन नंबर थ्री, नहीं हो रहा किसी से भी, तुम खुद उसके ऊपर पे करोगे 18+12+4, गेम ओवर। दिस इज द बिगेस्ट अमेंडमेंट, और मैं आपको कह रहा हूं ये कंफर्म आएगा, लिख के रख लीजिए, बात चेक कीजिए। Clarification with respect to certain provision effective from previous year 17-18, certain provision of 92C has been produced below. What is secondary adjustment आपको दिया हुआ है, how secondary adjustment is made, certain new provisions के ऊपर आइए, ये provisions effective है 1 September 2019 से. A new subsection has been added in 92CE to provide assessee an alternative. क्या दिए हैं आपको, अल्टरनेटिव दिए हैं मालिक, ऑप्शन दिए हैं, कितने ऑप्शन दिए, तीन, या तो उससे रिपैट्रिएट कर
दूसरा ऑप्शन जल्दी जल्दी बोलो, यस दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से लेके आ जा, वो भी नहीं हो सकता, खुद पे कर और सेकेंड एडजस्टमेंट करी मत। न्यूली इंसर्टेड प्रोवाइड दैट इफ द एक्सेस मनी, जो एक्सेस मनी कहां से आया होगा, एएलपी कैलकुलेट करके आया होगा, वो वाला बोल रहे हैं, इफ एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ हैज नॉट बीन रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएट कितने दिन में करना होता था, 90 डेज के अंदर में, इज नॉट रिपैट्रिएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, द असेसी मे एट हिज ऑप्शन, असेसी मे एट हिज ऑप्शन पे एडिशनल टैक्स ऑफ 18% ऑन सच एक्सेस और पार्ट देयर ऑफ। आप क्या कर लो, पे कर लो। एडिशनल टैक्स सो पेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स, शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस पार्ट देयर ऑफ विच इज नॉट रिपैट्रिएटेड। जो रिपैट्रिएट नहीं हो पाया, चाहे तुम्हारे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से या दूसरे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, उसे आप लेकर के आ जाओ। एंड नो फर्दर क्रेडिट देयर ऑफ शैल बी क्लेम्ड बाय एसएससी और एनी अदर पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स सो पेड। मतलब क्या, अगर आप ये 18% पे कर देते हैं तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट फिर करने की जरूरत नहीं है। No deduction shall be allowed to assessee under the provisions with respect to tax so paid. आपने ये जो टैक्स पेड किया, सामने वाले को इसका कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। Where additional income tax referred has been paid by assessee, he shall not be required to make secondary adjustment. जहां आपने अभी 18% के हिसाब से पे कर दिया, अब आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच एडिशनल टैक्स। जिस दिन से आप ये एडिशनल टैक्स पे कर देते हैं, उसके आगे आपको इंटरेस्ट भी पे करने की जरूरत नहीं है। सो द टैक्स जो हम 2A के अंदर लेवी कर रहे हैं, इट शैल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ 12%। फाइनल इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी 20.9664 विच कम्स एज 18% खुद से पे कर दो, 12% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस। सो कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए तो अब आप अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। ऑप्शन वन रिपैट्रिएट इन 90 डेज। रिपैट्रिएट कितने दिन के अंदर में बोलो बेटा, 90 डेज के अंदर में आपको क्या करना है, रिपैट्रिएट करना है। किससे, फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से। ये नहीं हो पाया, ऑप्शन टू रिपैट्रिएट फ्रॉम अनादर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। ये भी नहीं हो पाया, ऑप्शन थ्री पे योरसेल्फ 18% प्लस 12% प्लस 4%, गेम ओवर। प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के अंदर में ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगा। तो सर जल्दी से पढ़ लीजिए, बहुत काम की चीज। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सो दिस सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट्स, ये दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा है, तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली छोड़ दे और सीधा ये पॉइंट पढ़ ले जो नया इंसर्ट हुआ है। सो दिस वॉज सेकेंड अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट हमने किया 286 का क्लैरिफिकेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो एड हुआ है। दूसरा अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में एड हुआ है, वो था सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तीसरा अमेंडमेंट जो आया है, अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग में आया है, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट को लेकर के, ठीक है। सो पेज नंबर 13.1 पे आ जाइए, हम तीसरा अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स के अंदर आया है। तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, ये ऊपर वाला पार्ट एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं।
चलिए अब बात कर लेते हैं 92 CC एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की। क्या होता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट? बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को प्रोलॉन्ग ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट्स अवॉइड करना है तो एक बहुत अच्छा तरीका भारत सरकार ने दिया था और ये था 92 CC। ये एक इंटरनेशनल ट्रिटी में हमें कहा था कि जितने कम हो सके डिस्प्यूट्स उतना करो, और उसी के तहत इंडिया ने एक मैकेनिज्म लेकर के आया था 92 CC, जो कहता था कि आप अगर इतने प्रो लॉन्ग ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स में नहीं फंसना चाहते तो बहुत सिंपल है, आप जाइए एओ के साथ, डिपार्टमेंट के साथ आपका एक अग्रीमेंट होगा। इस अग्रीमेंट के तहत आप क्या करेंगे, अजम्पशंस क्या लेने वाले हैं वो क्लियर कर लेंगे, टीपी कैसे कैलकुलेट होगा वो क्लियर कर लेंगे, यानी ट्रांजैक्शन से पहले ही ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने का मैकेनिज्म क्लियर कर लेंगे, ताकि बाद में एओ अपनी मनमानी से कोई भी अदर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स ना कर सके। ये था एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। कितने साल के लिए होता है सर? 5 साल के लिए होता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। क्या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए होता है? जी हाँ, ये प्रस्पेक्टिव तो होता ही होता है, साथ साथ में ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकी भाषा में रोल बैक ट्रांजैक्शन। कितने साल के लिए होता है? 4 साल के लिए। यानी कुल मिला के एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट 9 साल के लिए हो सकता है, जिस दिन अग्रीमेंट साइन किया वहां से आगे 5 साल, और जिस दिन अग्रीमेंट साइन हुआ पीछे के 4 साल भी आप रिक्वेस्ट करके क्या करवा सकते हो, इसी आर्म्स लेंथ प्राइस पे कवर करवा सकते हो। अब हो क्या रहा था एडवांस प्राइसिंग, इसके और थोड़ा सा पॉइंट सुनिए तो आपको क्लियर होगा अमेंडमेंट क्या है। अब इसमें हो क्या रहा था, हो ये रहा था सर कि जैसे ही आप एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, वन ऑफ द रूल्स ये कहता है कि आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना होगा। एकदम करेक्ट, मॉडिफाइड रिटर्न आप जैसे ही भरेंगे, इसके बाद क्या होता था, यहां पे था एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो बहुत सारे इश्यूज को जन्म दे चुका था और दे सकता था। इस इश्यू को इस साल खत्म कर दिया गया। इश्यू क्या था मैं आपको बताता हूं। इश्यू यह था कि जब आप रिटर्न भरेंगे तो वहां पे लॉ में वर्ड लिखा था एओ शेल असेस और रीअसेस। वर्ड क्या लिखा था लॉ के अंदर में, जैसे आपने मॉडिफाइड रिटर्न भरा फॉर द पर्पज ऑफ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, वहां पे वर्ड लिखा था एओ शेल कंप्यूट असेस और रीअसेस। इससे होता यह था कि अगर आपने मॉडिफाइड रिटर्न भरा तो ये लॉ की जो वर्डिंग्स थे जो एक्चुअली मिस्टेक थे, इससे एओ को पावर मिल जाता था इनकम वापस असेस और रीअसेस करने का, जबकि इनकम असेस और रीअसेस करने का पावर या तो 143 के अंदर में था रेगुलर असेसमेंट, या तो फिर 144 के अंदर में था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, या तो 147 के अंदर में था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, या तो 153A के अंदर में था असेसमेंट आफ्टर सर्च एंड सीजर। अब हो ये रहा था इन चारों के अलावा ये जो वर्डिंग्स थे 92 CC के अंदर में, ये एक और पावर दे दे रहा था एओ को विदाउट एनी टाइम लिमिट टू ओपन द असेसमेंट एंड कंप्यूट द इनकम, जिससे अगेन हार्डशिप हो जाती किसके ऊपर, असेसी के ऊपर। कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी, और जब ये इनको पता चला कि लॉ में ऐसा चीज हो रही है, इन्होंने तुरंत अमेंडमेंट लेकर के आया इस सेक्शन के अंदर में, और जहां पे जो वर्ड लिखा था असेस और रीअसेस, इन्होंने इस असेस और रीअसेस वर्ड को कट करा दिया, जिसका मतलब अब ये जो मॉडिफाइड रिटर्न भरे जाएंगे अंडर द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, क्या इसके बेसिस पे एओ कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट कर पाएगा? आंसर इज नो, एंड मैं श्योर हूं इसके ऊपर आपको केस स्टडी बन के मिल जाएगा पेपर 6C में या पेपर 7 के अंदर में, क्योंकि दोनों जगह प्रोविजन सेम है, तो आपको दोनों में से किसी भी एक जगह पे क्या होगा इसका केस स्टडी बन के मिल जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी फाइन एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, चेक कीजिएगा। मैं आपको फिर से कह दूं, इसके नोट्स आपको कहां मिलने वाले हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, टेलीग्राम में जाकर के आप लोग चेक कर लेना, वहां पे ये अवेलेबल है। 92 CC ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द CBDT टू एंटर इनटू एन APA विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद एनी पर्सन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आप अग्रीमेंट एंटर कर सकते हो किस लिए, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, और स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ALP इज टू बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, या फिर मैनर बताएगा किस तरीके से ALP कंप्यूट होगा। APA इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रोल बैक। रोल बैक कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कुल मिला के कितने हो गए? 9 years। हालांकि रोल बैक को सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है। आपने अगर मेरे साथ इंटरनेशनल टैक्स किया होगा तो आपको पता है कि हमने इस पे बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल टाइम डाला है। Thus, once the APA is entered, ALP
of international transaction which is subject matter of APA would be determined in accordance with such APA. तो एक बार आपका advance pricing agreement बन गया, इसके बाद जो आपकी ALP compute होगी वो उसी agreement, assumptions and other things लेकर के होगी जो आपने CBDT के साथ क्या किया है, agreement किया है. In order to give the effect of APA, 92CD also provide for mechanism including the filing of modified return. अगर आपको APA लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उन हर साल के लिए जिस साल के लिए आप रोल बैक ले रहे हैं उस साल के लिए मॉडिफाइड रिटर्न लगता है, प्लस आने वाले हर ईयर्स के लिए आपको मॉडिफाइड रिटर्न लगता है. By the taxpayer and manner of completion of assessment by the AO having regards to the terms of APA. Subsection 3 of this section deals with a situation where assessment or reassessment has been completed. अब सबसेक्शन 3 क्या करता था, जहां असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हुई, आपने मॉडिफाइड रिटर्न मारा, एओ वापस ओपन कर देगा असेसमेंट रीअसेसमेंट और बोलेगा अब मैं असेसमेंट करूंगा मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से. ये तो गलत हो जाएगा, जो असेसी ऑलरेडी असेसमेंट कर रहा है या जो ऑलरेडी जीत चुका होगा उसके साथ तो ये गलत होगा. सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन डील विद अ सिचुएशन वेयर असेसमेंट और रीअसेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड फॉर द मॉडिफाइड रिटर्न. Apprehension have been expressed stating that due to the use of word assess, reassess or recompute, the AO may start a fresh assessment or reassessment in respect of completed assessment. ये जो subsection 3 में word लिखे हैं assess, reassess, recompute, इसके कारण क्या हो सकता था, AO वापस से आपका assessment open कर देता था जो already वो क्या कर चुका है, complete कर चुका है. APA entered into by them while intention of legislature is for assessing officer to merely modify the total income. जबकि legislature बहुत clear है, अगर APA enter हो गया है तो AO को कुछ करना ही नहीं है, AO को सीधा सीधा वही APA जो assessing officer ने CBDT और assessee के बीच में हुआ होगा वो लेना है और जो APA उसमें बोला है accordingly उसको add up करना, उस हिसाब से total income निकाल करके final order assessee को दे देना है. वापस से recompute करने का power है ही नहीं, APA enter हो चुका है मतलब department और आपके बीच में agreement हो चुका है, अब इस agreement को तोड़ने के लिए AO का कोई power ही नहीं है. ऐसे cases में assess reassess word एक गलत power दे देता था AO को और इसको बचाने के लिए अमेंडमेंट किया गया. अमेंडेड सेक्शन 92CD हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिलो विद द अमेंडेड हाइलाइटेड इन रेड. सो इफ असेसमेंट रीअसेसमेंट हैव बीन कंप्लीटेड, अगर असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, क्या एओ असेस कर पाएगा, आंसर इज नो. एओ शेल, डायरेक्ट वर्ड आ गया, ये वर्ड असेस हट गया, AO shall pass the order modifying the total income. AO चुपचाप वो APA का उठाएगा और अपना order modify कर देगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा, total income नहीं लगाएगा, compute, recompute, reassess कुछ करने का power उसको देने वाले अब हम नहीं है. So AO shall pass an order modifying the total income relevant to assessment year determined in such assessment or reassessment as the case may be having regards to in accordance with the APA. अगर assessment already complete हो चुके हैं, AO चुपचाप वो उठाएगा और जो असेसमेंट रीअसेसमेंट में उसने कर लिया बस उसी को रख देगा, बस उसमें APA का जो प्रोविजन आया है वो उसको कंसिडर करेगा. मॉडिफाइड रिटर्न इज फाइल्ड बाय द असेसी एज पर सी, नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 153B 144C द ऑर्डर हैज टू बी पास्ड बाय AO विद इन वन ईयर. अब जो ये ऑर्डर है, जो भी कुछ लिखा होगा, 153 टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट, 153B टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट अंडर रेड, 144C DRP, इसमें कुछ भी लिखा हो उसको बाजू करते हुए हम सीधा AO को पावर दे रहे हैं अगले एक साल के अंदर, he has to pass the order by AO within one year from the end of financial year in which modified return is filed. अब ये जो ऑर्डर है APA का, APA के बेसिस पे AO अपना फाइनल ऑर्डर निकालेगा within one year from the end of financial year in which modified return is filed. काम खत्म. नीचे वाला सेक्शन को एज इट इज बस रिप्रोड्यूस किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नीचे वाले पार्ट को. सो दिस अमेंडमेंट विल शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019. गेम ओवर. ये था ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट. सो अगर मैं कुल मिलाकर के बात करूं, ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में 3 अमेंडमेंट हुए हैं, जैसा कि मैं बता दूं 92C. ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, 92CC के अंदर में एक अमेंडमेंट हुआ है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में अमेंडमेंट हुआ, 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में हुआ है,
ये दो अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। 92 सीसी पे बनेगा केस स्टडी, और सेकेंडरी एडजस्टमेंट का भी कंफर्म आपको केस स्टडी बनना ही बनना है। सो दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड अग्रीमेंट्स चेंजेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग के अलावा किसी और चैप्टर के अंदर में अमेंडमेंट है क्या इंटरनेशनल टैक्स में? आंसर इज यस। आइए मैं बताता हूं। आइए एग्जम्पशंस के ऊपर। एग्जम्पशंस में हमारा पेंडिंग था 10 C&D, हम उसके ऊपर पहले चल रहे हैं, 195 पे वापस से आएंगे। मतलब पहली तो यार DT एकदम वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। इस वास्टनेस के बाद अगर यू नो अमेंडमेंट्स आते हैं तो आई आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत तकलीफ देते हैं। बट बिलीव मी बेटा, 2019 एक ऐसा साल रहा है जो ऑलमोस्ट हर DT टीचर को जिसने परेशान किया है, क्योंकि वो अपनी बुक को टेक्निकली दो बार अमेंड करके परेशान हो चुका होगा। और प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ प्रोविजन को रिकॉल नहीं कर चेंज नहीं करना पड़ता, अमेंडमेंट करने पड़ते हैं प्रोविजन्स में हर जगह पे, और इसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ भी अराइज होती है। कहाँ गया यार? एग्जम्पशंस में आना है आपको ऊपर, ये सैलरी से भी पहले है, ये रहा पेज नंबर 2.3 के ऊपर। अमेंडमेंट रेलेवेंट किसके लिए रेलेवेंट? इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C एज वेल एज पेपर 7 के लिए भी रेलेवेंट। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, बहुत जगह अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 47 में भी अमेंडमेंट हुआ इसके कारण। अब जरा समझिए ये अमेंडमेंट आया क्यों? ये अमेंडमेंट आया था मोदी जी के कारण। किसके कारण? मोदी जी के कारण। मोदी जी ने नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनी से कहा कि आप आइए इंडिया में, और इंडिया में आप लोग बाय कीजिए रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मतलब आप लोग इन्वेस्ट कीजिए इन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो इंडियन कंपनीज ने इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू किया। कहा कि आप अगर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हैं इंडियन कॉर्पोरेशंस, और नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी अगर इसे लेता है, तो जो एक स्पेसिफाइड पीरियड अगस्त के अंदर 17/9/2018 से लेके 31 मार्च 2019, इस पीरियड में अगर ये बॉन्ड इशू हुए होंगे, इस बॉन्ड के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये सारा इंटरेस्ट हम आपको एग्जम्प्ट करके देंगे रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के ऊपर। सो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए मोदी जी ऑलरेडी कमिट करके आ चुके थे, और सिंस वो कमिट कर चुके थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसको ध्यान में रखना ही था। अगर कोई 17 सितंबर 2018 से लेकर के 31/3/2019 के बीच में RDB इशू हुआ होगा, इसका कोई इंटरेस्ट 19-20 में मिला होगा, क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है? आंसर इज नो। दिस इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(4)(c), वेरी सिंपल। सो इफ अ नॉन रेसिडेंट ऑब्लिक फॉरेन कंपनी रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम 194(c) और receives interest from an Indian company or business trust in respect of money borrowed, and if these bonds are issued between 17/9/2018 to 31 March 2019, the interest income will be exempt। मैं बोलते बोलते इसलिए अटका क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट और आपको डिस्कस करना था, 194LC। सिंस ये इंटरेस्ट इनकम अगर एग्जम्प्ट है, तो क्या इसके ऊपर TDS करना है या नहीं करना? आंसर इज नो, इसके ऊपर TDS करने की कोई जरूरत नहीं है। वही पॉइंट मैं चाहता था बोल दूं, पर मैं सोचा कि ठीक है फिर बाद में बोलता हूं। सो कुल मिलाकर के पॉइंट क्या है, RDBs 17/9/2018 से 31/3/2019 के बीच में जो भी RDBs इशू होंगे, ऑब्वियसली बात है RDBs का एक लाइफ होता है, इसका कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा 19-20 के अंदर में किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, क्या ये इंटरेस्ट उनके हाथ में टैक्सेबल है? आंसर इज नो, सेक्शन 10(4)(c). और सिंस इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, तो TDS काटने का भी अब कोई जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड
ये आरडीबीज इसी पीरियड में इशू हुए हो। आरडीबीज अगर इसके बाद इशू होते हैं तो याद रखिएगा ये इंटरेस्ट टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा और टीडीएस भी आएगा अंडर सेक्शन 194LC। सो दिस वाज अनदर अमेंडमेंट। इसी के नीचे एक और अमेंडमेंट है सेक्शन 104D, इनकम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड फंड। चाहता हूं आप पहले पढ़ लें, इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, अगेन अमेंडमेंट आया आईएफएससी से रिलेटेड। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं आईएफएससी के ऊपर बहुत फोकस है और मुझे भी ऐसा लगता है कि आईएफएससी रिलेटेड इस बार 2020 जुलाई या नवंबर 2020 के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जानबूझ करके। और ऐसा है कि आईएफएससी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो हो सकता है कि उनको दे करके कंफ्यूज किया जाए इधर इन पेपर 6 और पेपर 7। क्या है अमेंडमेंट? अमेंडमेंट है अगर कोई कैटेगरी 3 AIF, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड फंड, क्या कहते हैं स्पेसिफाइड फंड, टेक्निकली इसको कहते हैं कैटेगरी 3 AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं 3 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये इनकी रैंकिंग जो होती है ये सिक्योरिटी के बेसिस पे होती है, मोर सिक्योर्ड, लेस सिक्योर्ड एंड अगेन यू नो टोटली अनसिक्योर्ड, इस बेसिस पे इसको क्राइटेरिया दिया जाता है। हालांकि ये तीनों भी कैटेगरी जो है ये सेबी के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और सिंस ये सेबी के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो पैसा सेफ है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी ब्लैक मनी या अदर मनी यहाँ पे आ सकता है। नाउ क्या कहा गया है, अगर कोई स्पेसिफाइड फंड, मन में याद रखिएगा कैटेगरी 3 AIF, सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड फंड लोकेट होता है आईएफएससी में, कहाँ लोकेट होता है आईएफएससी में, ये अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर करता है और इसको जो पैसा मिल रहा है ये कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आईएफएससी में वैसे भी जितनी डीलिंग होती है ये सब फॉरेक्स में ही होती है, ये इंडियन करेंसी में डीलिंग नहीं होती है, ये बात आप अपने लिए याद रखिएगा। सो अगर कोई कैटेगरी 3 AIF है, राइट, अगर ये कोई कैपिटल असेट सेल करता है, कहाँ लोकेट होना चाहिए, आईएफएससी में लोकेट होता है, कैपिटल असेट सेल करता है, कंसिडरेशन फॉरेक्स में लेता है, इनकम एग्जम्प्ट है, बस इतना ही सिंपल है। वापस से कह देता हूं, अगर कोई कैटेगरी 3 AIF है, कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है, लोकेटेड इन आईएफएससी है, इनकम रिसीव कर रहा है, ये इनकम एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 104D, गेम ओवर। इनकम अक्रूड और अराइज बाय स्पेसिफाइड फंड, स्पेसिफाइड फंड मतलब क्या, ये लिखा है नीचे स्पेसिफाइड फंड मतलब फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, हैज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 3 AIF, लोकेटेड इन आईएफएससी एंड ऑल यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करना, ऑल यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सो इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग बाय स्पेसिफाइड फंड कैसे, अपॉन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 47। सो ऐसा कोई कैपिटल असेट है जो सेक्शन 47 के अंदर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब डीम नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ट्रांसफर इज मेड इन आईएफएससी लोकेटेड एक्सचेंज एंड द कंसिडरेशन इज पेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, देन सच इनकम विल बी एग्जम्प्ट। तो ये इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट मानी जाएगी अंडर सेक्शन 104D के अंदर में। तो हमने ये दो अमेंडमेंट थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, गेम ओवर। और कोई, यस है। हालांकि अब जो अमेंडमेंट मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये अमेंडमेंट इतना ज्यादा काम का नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है, वो पूछ नहीं सकते आपसे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है और प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है। मैं आपको पहले सेक्शन 9 है कुछ बता देता हूं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड जो ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड जो ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, इसकी इनकम नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है, नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है, और इन्हें बेनिफिट दिया गया है कि इनकी इनकम यहाँ पे टैक्स ना हो। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स,
ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है, ये फॉरेन फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है जो बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में लेकर के आते हैं, और जाहिर सी बात है इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना था तो ऐसे बेनिफिट्स इनको देने जरूरी थे। नहीं, करता क्या था, एक फंड था जो फॉरेन में है, लेट्स से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्या करता था, एक इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी को पकड़ता था जिसे हम कहते थे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर को वो इन्वेस्टमेंट अपने सारे प्रोवाइड करता था, फंड मैनेजर इंडिया में इन्वेस्ट करता था और वहां से इनकम कमाता था, और ये इनकम वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आउटसाइड इंडिया को दे देता था। अब होता ये था कि सिंस सारे मेजर डिसीजंस कहाँ लिए जाते थे, इंडिया में लिए जाते थे, डिसीजन मेकिंग पावर इंडियन फंड मैनेजर के पास होता था, तो होता यह था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का पूरा इनकम इंडिया में टैक्स हो जाता था, बिकॉज उसका पोयम कहाँ शिफ्ट दिखता था, इंडिया में शिफ्ट दिखता था। अब इसके कारण फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ऐसे कई फंड्स इंडिया में नहीं आ रहे थे, राइट, SMEs ग्लोबल या ऐसे कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंडिया में नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसके कारण होता यह था इंडियन इनकम तो छोड़ो, उनकी ग्लोबल इनकम यहाँ टैक्सेबल हो जाती थी, क्योंकि फिर वो यहाँ पे रेसिडेंट बन जाते थे। अब ऐसे केसेस में क्या किया गया, इनको एक बेनिफिट दिया गया 9A ला करके, जहां कहा गया अगर कोई फंड मैनेजर इंडिया में है ऑफ एन एलिजिबल फंड, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, तो इनकम विल नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तकलीफ कहां थी जिसके लिए अमेंडमेंट आनी पड़ी, तकलीफ थी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड वर्ड डिफाइंड नहीं था, और फाइनेंस एक्ट 19 ने एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड और उसके क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानना जरूरी है, ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये सेबी का एज इट इज गाइडलाइन इन्होंने लेकर के कॉपी कर दिया। इन्हें क्या किया, सेबी का एज इट इज गाइडलाइन कॉपी कर दिया कि वॉट विल बी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। तो आइए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड टेम्पल्टन, याद रखिएगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, शेल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया ऐसा क्यों कर रहे थे। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, By way of Finance Act, the eligible investment fund has been amended. अब eligible investment fund को क्या कर दिया, इन्होंने specify कर दिया और इसके लिए इतनी conditions दे दी जो आपके पेज नंबर 2.2 तक के चल रही है। मेरे हिसाब से इसको आप ना ही रीड करें तो बेटर है, बट स्टिल मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूं, पर मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल मत रीड करना और इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत ही करना, स्टिल आइए एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि दिया गया है। Eligible investment fund means a fund established or incorporated or registered outside India. मतलब totally ये established, incorporate या registered outside India होना चाहिए, plus and लिखा है क्योंकि and fulfill the following conditions. क्या क्या condition है, the fund is not a person resident in India, किसी भी तरीके से ये Indian resident नहीं होना चाहिए, point one. दूसरा aggregate participation of investment in the fund directly or indirectly by person resident in India do not exceed 5% of the corpus of fund. Meaning क्या है, जो भी fund का investment amount है, right, corpus है, capital है fund का जो invest करने वाले हैं, इसमें Indian resident का पैसा 5% से ज्यादा का नहीं हो सकता of total corpus. 5% से ज्यादा का नहीं हो सकता ऑफ टोटल कॉर्पस। सो लेट्स से इन्वेस्टमेंट फंड का टोटल कॉर्पस है 100 करोड़ का, तो 5% से ज्यादा का रेसिडेंट से आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये उन्होंने क्लॉज दिया है। द फंड इज, तीसरा क्लॉज कहता है, द फंड इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विथ विच एन अग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड, इन शॉर्ट ये फंड वहां सिचुएट होना चाहिए जिसके साथ इंडिया का क्या हो, DTAA हो, ये फंड वहां सिचुएट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर पैसा कहां से आता है, अगर पैसा उन कंट्रीज से आता है जिसके साथ हमारा DTAA नहीं है, तो ये बहुत सारे चांसेस है कि किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड पैसा इंडिया में आ सकता था, मे बी फॉर टेररिस्ट और अदर एक्टिविटी, राइट। तो इसी के लिए उन्होंने कह दिया ये उसी कंट्री के साथ होगा जिसके साथ हम इंफॉर्मेशन क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। Established or incorporated or registered in a country or specified territory which is notified by central government. सिर्फ DTAA होना चाहिए, अगर DTAA नहीं है तो एटलीस्ट उन कंट्रीज के साथ होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हो, नोटिफाई किया हो। द मंथली एवरेज कॉर्पस ऑफ फंड शेल नॉट बी लेस देन 100 करोड़, ऑब्वियसली बात थी ये तो उनको देना था, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था,
बट उनने दे दिया, ये अच्छा किया। उनने क्या बोला कि जो मंथली एवरेज कॉर्पस है, मंथली एवरेज कॉर्पस है, मंथली एवरेज कॉर्पस है शेल नॉट बी लेस देन 100 करोड़। इससे इन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट अचानक से कभी भी ना तो बूम कर पाए ना ही बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ हो पाए। उन्होंने कहा मंथली एवरेज आपका 100 करोड़ तो यहाँ पे चलना ही चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, इफ फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पस ऑफ सच फंड शेल नॉट बी लेस देन 100 करोड़ एज एट द एंड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इट्स एस्टैब्लिश्ड इनकॉर्पोरेशन और एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेटर। जहां ये 100 करोड़ पहले देखते थे, 100 करोड़ का जो क्राइटेरिया था पहले ये देखते थे एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, अब इन्होंने ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अब इन्होंने कर दिया एंड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेटर। यानी इनकॉर्पोरेशन जैसे ही हुआ इस फंड का वहां से 6 मंथ के अंदर में, या फिर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेटर। This condition of minimum corpus is not applicable to a fund which has been wound up in the previous year. अगर ये fund previous year में ही wound up हुआ है तो उस पे 100 करोड़ का criteria apply नहीं करेगा, मतलब हम उसको benefit देंगे even if the corpus was less than 100 करोड़। In short, easy entry और easy exit का तरीका दिया है किसी भी fund को। The fund and activity are subject to applicable investor protection regulation इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी वेर इट एस्टैब्लिश्ड। वहां के आपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जैसे इंडिया में भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है, वो फॉलो की होनी चाहिए। टेक्निकली हमें कैसे पता चलेगा कि वो वहां ये कर रहे हैं कि नहीं, डिक्लेरेशन, हम एक डिक्लेरेशन ले लेंगे उनसे साइन करवा के कि आपने वहां के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन को फॉलो किया है। द फंड हैज अ मिनिमम ऑफ 25 मेंबर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट अ कनेक्टेड पर्सन, राइट। 25 मेंबर होने चाहिए मिनिमम फंड के अंदर में, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट ये सब अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए। एनी मेंबर ऑफ द फंड अलोंग विद कनेक्टेड पर्सन शैल नॉट हैव पार्टिसिपेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फंड एक्सीडिंग 10%। किसी भी मेंबर का किसी भी और कनेक्टेड पर्सन के साथ मिला के ओवरऑल होल्डिंग 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट वो नहीं चाहते कि ये फंड क्या करें किसी के पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में कंट्रोल हो, ट्रांसपेरेंसी बरतना चाह रहे हैं। हो सकता है कि लेट्स से एक फंड बनाया मिस्टर ट्रंप ने, वैसे भी अमीर पार्टी, ट्रंप ने कोई फंड बनाया, मेजर कनेक्टेड पर्सन अपनी वाइफ इविका ट्रंप के साथ मिलकर के क्या कर लिया, 11% होल्ड कर दिया और बाकी अपने जितने जो पहचान वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर के फंड बनाया, ताकि मेजरली नाम भले ही दूसरों का मिले पर स्टेक उन्हीं का हो। ऐसा उन्होंने कहा नहीं चलेगा। आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका इंक्लूडिंग कनेक्टेड पर्सन का स्टेक किसी का भी 10% से ऊपर का ना हो। द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ 10 और लेस मेंबर अलोंग विद देयर कनेक्टेड पर्सन शैल बी लेस देन 50%। अच्छा जी, अगर मान लीजिए मल्टीपल कनेक्टेड पर्सन आ भी जाते हैं तो ओवरऑल 10% और 10 मेंबर्स और उससे कम का ओवरऑल होल्डिंग शैल बी लेस देन 50%। इन शॉर्ट कभी भी वो एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। The fund shall not carry or control and manage directly or indirectly any business in India. इसके अलावा वो कोई और business नहीं कर रहे हो, activities सिर्फ और सिर्फ investment हो। The fund is neither engaged in any activity which consists of business connection in India, nor has any person acting on its behalf whose activity constitute a business connection in India, other than the activity undertaken by eligible fund. कहने की ये कोशिश की है आप कोई और बिजनेस में नहीं होंगे, ना ही किसी भी तरीके से बिजनेस कनेक्शन आएगा। बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन सेक्शन 9 में लिखा है, ना ही ये बिजनेस कनेक्शन में आना चाहिए, ना डीम्ड बिजनेस कनेक्शन में आना चाहिए, इस बात का याद रखना होगा। फंड शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 20% ऑफ इट्स कॉर्पस इन एनी एंटिटी। इंडिया में जब फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा उसे याद रखना होगा कि एक ही कंपनी के अंदर में 20% से ज्यादा का कॉर्पस इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये सीधा सीधा सब्सिडरी का एंगल क्रिएट कर देगा। इसीलिए उन्होंने ये बात को बहुत क्लियर रखा कि जो फंड आ रहा है, लेट्स से फंड है 100 करोड़ रुपीस का, ये 100 करोड़ रुपीस आप लेके डायरेक्टली 25 करोड़ के रिलायंस के शेयर ले लेंगे, चलेगा क्या? आंसर इज नो, 20% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। द फंड शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंटिटी इन विच डायरेक्टर ट्रस्टी पार्टनर मेंबर फंड मैनेजर ऑफ द फंड और डायरेक्टर ट्रस्टी पार्टनर मेंबर फंड मैनेजर होल्ड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मोर देन 15% ऑफ द एंटिटी शेयर और इंटरेस्ट।
ये फंड किसी भी ऐसी जगह पे एसोसिएट एंटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसका वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली विद देयर डायरेक्टर ट्रस्टी एक्सेट्रा 15% से ज्यादा क्या कर रहे होंगे, होल्ड कर रहे होंगे। द रेम्यूनरेशन पेड बाय फंड टू एलिजिबल फंड मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी टेकन बाय हिम इज नॉट लेस देन आर्म्स लेंथ प्राइस। ये बड़े काम की चीज इन्होंने कर दी, अमेंडमेंट भी लाया, कहा कि जो आप फंड मैनेजर को पे कर रहे हैं ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, इसके तहत बेस इरोज करके प्रॉफिट शिफ्ट करने की कोशिश करने का नहीं। ये जो कंडीशन थी 5, 6 and 7 इट शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरन, अगर वो गवर्नमेंट का है तो उनके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सॉवरेन फंड जो कई कंट्रीज ने मिलकर के बनाया हो और सच अदर फंड एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। सो कुल मिलाकर के प्रोविजन क्या है, मैं फटाफट सम अप कर देता हूं। सम यही है कि अगर कोई फॉरेन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है जो फंड मैनेजर के थ्रू इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाता एंड इनकम इज नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के आना। अब इन्होंने क्या किया, एलिजिबल फंड मैनेजर सॉरी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बहुत जरूरी था, जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके अंदर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए, एक ही पर्सन के हाथ में नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग स्टेक एक आदमी के हाथ में नहीं जाएगा और ट्रांसपेरेंसी आपको बरतनी होगी। इतनी बात का ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे हिसाब से ना पेपर 6 ना पेपर 7 में पूछा जाएगा, बट सिंस अमेंडमेंट है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तो पूरा करूंगा ही। उम्मीद है आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ गया होगा, इतना लंबा पढ़ने से बेहतर। जैसे कि मैंने कहा टीपी के इंपॉर्टेंट पढ़ लो, सेक्शन 10 के जो हमने अमेंडमेंट्स दिए वो पढ़ लो, ये आपके काम की चीज है, इसे पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। लास्ट दो ही अमेंडमेंट बचे हैं, एक हुआ है सेक्शन 195 के अंदर में, दूसरा हुआ है 115 के सीरीज के अंदर में, वो दो भी बता दूं तो फाइनली आपके सारे अमेंडमेंट खत्म हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जुलाई 20 एंड नवंबर 20, अनलेस नवंबर 20 के लिए कुछ और स्पेसिफिक अमेंडमेंट आरटीपी के थ्रू नोटिफाई ना हुए हों। राइट, सो नवंबर वालों को भी अमेंडमेंट एज इट इज एप्लीकेबल होगा, नवंबर 20 वालों को, चाहे वो सीएसीए में दे रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई अमेंडमेंट आता है या आरटीपी के थ्रू कोई अमेंडमेंट आता है तो हम उसके एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, बट अदरवाइज आपको इसकी कोई जरूरत नहीं होने वाली। राइट, अभी आपके पास बहुत अच्छे से टाइम है, नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए इंटरनेशनल टैक्स ले लो, डायरेक्ट टैक्स आप अभी भी ले सकते हो। 195 का एक अमेंडमेंट है, मैं वो आपको पढ़ा देता हूं। टीडीएस वाले टॉपिक में आ जाइए सर, मतलब मैं आपको बताऊं सर, फाइनेंस एक्ट 2019 इतने सारे अमेंडमेंट्स थे, मतलब हम परेशान हो गए थे बैठ करके किसमें कितना रखना, मतलब अगर आप देखोगे तो ये अमेंडमेंट के पेजेस इतने सारे हैं मैक्सिमम केस में, तो यू नो मैं तो बच्चों को बोला कि बॉस हैट्स ऑफ, क्या मिनिस्ट्री कर रही है उनको ही समझ रहा है। और मैं अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 20 जो आ चुका है उसके ऊपर भी फोकस कर रहा था, यू वोंट बिलीव सरप्राइजिंग चेंजेस सर, सरप्राइजिंग चेंजेस, मतलब जो नवंबर 21 दे रहा होगा ना, मई 21 एंड नवंबर 21 दे रहा होगा जिसकी रिकॉर्डिंग मैं अब जुलाई में करने वाला हूँ, मतलब हाथ ही जोड़ देता हूं मैं तो लिटरल सेंस में, 104 अमेंडमेंट यार किसको बोलते हैं, 104 अमेंडमेंट सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में, एंड बहुत क्रूशियल और मेजर अमेंडमेंट, मतलब दिखता है सरकार छोड़ने के मूड में तो है ही नहीं किसी को, ये ला के रहेगी पैसा। बहुत सारे टैक्स लूप होल, टैक्स ब्रैकेट एंड स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि मैं आपको बताऊं इंडिया ने ना पिछले 4-5 साल से कई ऐसे टैक्स मेजर्स लिए हैं जिसके तहत इंडिया एक लो टैक्स यू नो लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन बन गया है। यस, आपको बिलीव होगा कि नहीं होगा, आप सोचेंगे कि काहे का सर 40% तो फॉरेन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। पेज नंबर 11.7 पे आ जाइए, आप बोलेंगे कि सर ऑलरेडी फॉरेन कंपनीज के ऊपर तो हम लोग क्या लगा रहे हैं 40% लगा रहे हैं। मैं कहूंगा कि नहीं, आपने शायद लॉ को सही इंटरप्रेट नहीं किया सर। अगर आप रीसेंट टाइम्स के अंदर में देखेंगे ना, कंपनी के टैक्स रेट आ चुके 22% एंड 15%,
22% की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो क्राइटेरिया ही नहीं है कि कंपनी कौन सी होनी चाहिए। फॉरेन कंपनी भी आकर के अगर वो उन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं ले रही होगी तो वो भी क्या करते हैं, 22% के अंदर में गवर्न हो जाएंगे इस सेक्शन को ऑप्ट करके। फर्दर 115A की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी टैक्स रेट्स इतने कम है इंडिया में, मेजरली वो लोग सी बिजनेस करने आए तो ठीक है उनको 40% से टैक्स रेट लगेंगे, बट अदर इन्वेस्टमेंट्स के तो उनके टैक्स रेट ही इतने कम है, 5% इन केस ऑफ इंटरेस्ट और 20% अगर वो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं होंगे। रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 10%, सर इससे कम क्या टैक्स लेंगे आप मुझे बताइए। इनफैक्ट ये 10% तो आपके मैट से भी कम है, इसीलिए मैट में हम लोग एडजस्टमेंट्स भी करते हैं अगर आप देखेंगे। सो यू नो रॉयल्टी इनकम कैपिटल गेन विच इज लेस देन 18.5%, ये इसका लॉजिक है। बिकॉज रिसेंट टाइम्स में ना इंडिया टैक्स हेवन्स के अंदर में आ रहा है, मैं टैक्स हेवन्स बोलना एक्चुअली गलत वर्ड होगा, बट यस बेस्ट टैक्स डेस्टिनेशन के अंदर में इंडिया आ रहा है। अच्छा जी पढ़िए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इट इज एन अमेंडमेंट। यस सर क्या अमेंडमेंट है सर, बहुत सिंपल है, आपको पता है 197 राइट 197 सीरीज के अंदर में या ऑफिसर्स में हम लोगों को करते ही हैं राइट 194G 194H सॉरी 15G 15H नॉट 194G 194 सॉरी 15G 15H लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट मंगवाते हैं कि बॉस दिस पर्सन या तो आप इसका टैक्स ही मत काटिए या टैक्स लोअर रेट पे काटिए। खैर आपको पता होना चाहिए वो रेसिडेंट्स के लिए है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए अगर आपको ये ऑप्शन लेना है फॉर नो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन तो आपको सेक्शन 195 के अंदर में अप्लाई करना होता है। सो अगर मान लीजिए, मैं एक और सेक्शन आपके साथ लिंक करूंगा, यहीं पे ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नॉन रेसिडेंट का टैक्स नहीं काटना है या जो टैक्स डिडक्ट करना है, सेक्शन 195 टैक्स कितने रेट पे डिडक्ट करते हैं याद कीजिए, हायर ऑफ थ्री थिंग्स, रेट provided in the act, rate in force, that is rate provided in DTAA, rate provided in act or 20%, whichever is higher, के रेट से हम लोग टैक्स डिडक्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉन रेसिडेंट को इतने पे टैक्स नहीं देना है या लोअर रेट पे डिडक्शन होना चाहिए तो ऐसे केसेस में 195 के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंट होगा 197 के अंदर अप्लाई कर दो, नॉन रेसिडेंट होगा 195 के अंदर अप्लाई कर दो, सिर्फ सेक्शन का फर्क है, बाकी प्रोसीजर सेम है। दूसरी पॉइंट, 195 के अंदर जो ये एप्लीकेशन करते थे वो अब तक के मैनुअल होती थी, जबकि एक साल ये अमेंडमेंट तो आज लाए हैं, जबकि एक साल ये ऑलरेडी ऑफिसर्स में होता है। यस ओ नो, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज फॉरेन क्लाइंट, उसके लिए ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं राइट। ये प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस होता था, आपको जाना पड़ता था, मैनुअली भरना पड़ता था, उसके साथ में वहां का चार्टर, उस आदमी के डिटेल, सब सारी चीजें देनी पड़ती थी। अब ऐसे केसेस में इस प्रोसेस को कर दिया गया है ऑनलाइन और यही है अमेंडमेंट। So, अब अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट के लिए तुमको ऐसा लगता है कि लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है, अब तुम ये ऑनलाइन ले सकते हो। सो अमेंडमेंट क्या है, प्रोसेस को मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट कर दिया गया है, इतने सिंपल में अमेंडमेंट खत्म होता है, चेक कर लीजिए। अर्लियर द प्रोसीजर टू अलाउ द पेयर टू डिडक्ट टैक्स। अच्छा एक और पॉइंट, अगर आपको लगता है एओ ने लेट से आप लेकर के आए लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का, आपने लोअर रेट पे लेके आ गया, फिर भी एओ बोलता नहीं तुमने हायर रेट पे ही डिडक्ट करना चाहिए था, तुमने लोअर रेट पे डिडक्ट क्यों किया, तुमने हायर रेट पे ही डिडक्ट करना चाहिए था, और उसने डिसअलाउंस करी 40AIA के अंदर में। आपको याद होगा अपील का एक सेक्शन है सेक्शन 248, जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते थे किसको, अपीलेट अथॉरिटी को, कि बॉस मैंने ये सर्टिफिकेट लाया तो भी आपका एओ मान नहीं रहा है, इससे रिलेटेड को इनसाइड करिएगा 248 को, मजा आएगा पढ़ने में, लिंकिंग में चेक करें। अर्लियर द प्रोसीजर टू अलाउ पेयर टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 195 ऑन लोअर अमाउंट वाज अ मैनुअल वन वेयर द पेयर हैज टू फाइल एप्लीकेशन मैन्युअली, कॉन्सिक्वेंट टू विच सीबीडीटी वुड अलाउ डिडक्शन ऑन लोअर अमाउंट बाय पासिंग अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर। By Finance Act 19, Government has made amendment in Section 195, Subsection 2 and 7 to make the procedure electronic. This is what they intend to. The amended section has been given below. बस प्रोसीजर को क्या कर दिया, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, आप इसको आगे पढ़े नहीं पढ़े बिल्कुल एक जैसा है, बस उन्हें प्रोसीजर को क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है।
जस्ट मिनट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आते हैं, अगेन एक बार फटाफट बता देता हूँ, एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। ये जो लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन का प्रोसेस था, ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए था 197, 198 के अंदर में, एंड अब ये नॉन रेसिडेंट भी कर सकता है। पहले नॉन रेसिडेंट ये सिर्फ मैनुअली कर सकता था, अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो बस एक नॉर्मल सा वर्ड ऐड हुआ है 195 सबसेक्शन 2 एंड 7 के अंदर में, दोनों जगह ये वर्ड ऐड हुआ है दैट ही'ल मेक एन एप्लीकेशन टू द एओ इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। मैनर क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। इन द मैनर फॉर डिटर्मिनेशन बाय जनरल ऑर्डर एंड स्पेशल ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो बहुत सिंपल है अमेंडमेंट, कोई बहुत ज्यादा काम का अमेंडमेंट नहीं है, और 195 बस इतना कहता है कि ये प्रोसेस अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस पे कन्वर्ट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड विल हैव द लास्ट डिस्कशन ऑफ द होल अमेंडमेंट विच इज ऑन इन्वेस्टमेंट फंड। टैक्सेशन ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, टैक्सेबिलिटी 115 UB के अंदर में दी हुई है, जो कहती है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का बिजनेस इनकम टैक्सेबल है और बाकी सबको पास थ्रू स्टेटस मिला हुआ है। दैट इज जैसे टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में थी, फंड के हाथ में, उसी तरह की टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, उसके यूनिट होल्डर के हाथ में आएगी। प्रोविजन क्या था जिसके कारण अमेंडमेंट लाना पड़ा? प्रोविजन था कि अगर कोई भी लॉस आता था, पास थ्रू स्टेटस हर चीज को मिला, हर चीज को मिलता था, जिसके कारण ये होता था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड को लॉस आता था तो इन्वेस्टमेंट फंड तो इसे क्लेम करता ही करता था, साथ साथ में ये यूनिट होल्डर को भी पास ऑन हो जाता था और वो भी इस लॉस को क्लेम कर लेते थे, जिससे डबल बेनिफिट मिल रहा था और ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही थी। इस चीज को रोका गया बाय ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट। चेक कीजिएगा 115 UB, ओनली बिजनेस इनकम ऑफ AIS इज एप्लीकेबल, दैट इज टैक्सेबल, फर्दर अ पास थ्रू प्रॉफिट अदर देन बिजनेस हैज बीन अलाउड टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर, however the pass through of losses is not allowed, adjustment of losses with effect from assessment year 2021, the business loss of investment fund shall be allowed to be carried forward by the fund and it shall not be passed on to unit holder। ab ye sirf aur sirf kaun carry forward karega? fund carry forward karega, unit holder ko nahi milega। the loss shall be ignored for the purpose of pass through to the unit holder if such loss has arise in respect of a unit which has not been held by a unit holder for a period of at least 12 months। so जो दूसरे लॉस रहेंगे, दूसरे लॉस जो रहेंगे ये भी कैरिड फॉरवर्ड करने नहीं मिलेंगे अगर उन यूनिट्स को इन्होंने 12 मंथ से कम होल्ड किया होगा। सो बाकी के लॉस क्या कर सकते हैं? लॉस जो है यूनिट होल्डर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिजनेस लॉस को क्या नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। बाकी के लॉस को भी तभी कर पाएंगे जब इनका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। अदर देन बिजनेस लॉस अक्यूमुलेटेड एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एज ऑन 31st March 2019 शैल डीम टू बी द लॉस ऑफ यूनिट होल्डर हु हेल्ड्स द यूनिट एज ऑन 31st March 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम इन द इन्वेस्टमेंट फंड एंड अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय हिम फॉर द रिमेनिंग पीरियड कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर्स इन विच लॉस हैज ऑकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टेकिंग दैट as the first year and it shall be set oiled by him in accordance with the provision of chapter 6। क्या है इसका मीनिंग? 31 मार्च 2019 तक के फंड को जितने भी लॉसेस हुए हैं ये लॉस यूनिट होल्डर के लॉस माने जाएंगे और यूनिट होल्डर इस लॉस को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उन्हें एक फ्रेश पीरियड मिलेगा एज इफ ये फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, कोई लॉस इनकर कर रहे हैं। तो फ्रेश पीरियड मिलने वाला है इन्हें क्या करने के लिए? लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। द लॉस सो डीम्ड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर शैल नॉट बी अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 6। और ये जो लॉस किसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। फिर इस लॉस को कौन नहीं क्लेम करेगा? यूनिट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फंड क्लेम नहीं करेगा। वापस से एक बार पूरा बता देता हूं क्या अमेंडमेंट आया है। बिजनेस लॉस जो है ये इन्वेस्टमेंट फंड ही रखेगा, यूनिट होल्डर को पास ऑन नहीं हो सकता। अदर देन बिजनेस लॉस यूनिट होल्डर को पास ऑन होगा और इन्वेस्टमेंट फंड इसे नहीं रख सकता। सिंपल शब्दों में इतना ही अमेंडमेंट है। क्या ये अमेंडमेंट का इंपैक्ट है? यस, मुझे लगता है इस अमेंडमेंट को पूछा जा सकता है बाय वे ऑफ अ MCQ।
बाय वे ऑफ एमसीक्यू या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन के तहत इसे पूछा जा सकता है। सो यहां हमारे सारे के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हुए फॉर द पर्पस ऑफ जुलाई 20 एंड नवंबर 20। एक मिनट, ये एक पार्ट बाकी है, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूं 14.3 एंड 14.4 के ऊपर। हालांकि ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, 115A के अंदर में हमें क्या करना होगा, ये एडजस्टमेंट जो 80LA का है, याद दिला देता हूं क्या, आईएफएससी यूनिट के अंदर में जो यूनिट लोकेटेड है, आईएफएससी एरिया में जो यूनिट लोकेटेड है, ये 115A के टैक्स रेट्स अगर फॉलो कर रहे होंगे, जनरली 115A कहता है जो आप स्पेशल रेट पे टैक्स कर रहे हैं 115A के अंदर में, उन्हें चैप्टर 6 पार्ट सी के कोई डिडक्शन नहीं मिलते, पर 80LA क्या किया गया है, अलाउ किया गया है, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, आइए ये बात भी कर लेते हैं, एनी डिविडेंट जो हम अक्यूमुलेटेड इनकम से पे कर रहे हैं, जो यूनिट कहां ऑपरेट कर रहा है, आईएफएससी में ऑपरेट कर रहा है, उसे किसी भी तरह का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्दों में जो यूनिट आईएफएससी में लोकेट कर रहा है और अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय कंपनीज ऑपरेटिंग इन आईएफएससी, 115O has been amended to provide that any dividend paid out of accumulated income derived from operation in IFSC after 1/4/2017 shall not be liable to any tax on distributed income. Finally, international tax से related भी सारे amendments हमारे complete हो गए। मुझे उम्मीद है, सबसे पहली बात तो sorry, ये एक video था जो end में, मतलब you know, amendment video अपडेटेड था, बट आई डोंट नो somehow डिलीट हो गया और मेरे पास इसका बैकअप भी नहीं था, मैंने इसे दोबारा रिकॉर्ड कर दिया और मैंने इसे अपलोड कर दिया है। यहाँ मेरा नंबर दिया है, अगर आप कोई पूछना चाहें, कुछ बारे में इंक्वायरी करना चाहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने असेसमेंट का पूरा रिविजन डाला है जिसके अंदर में 10 चैप्टर्स है, अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन, सर्च एंड सीजर, रिटर्न ऑफ इनकम इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट्स, ये सारे उसके अंदर में कवर है, आप वो रिविजन देख लीजिएगा। पीजीबीपी के सारे अमेंडमेंट के साथ रिविजन मैंने डाले हुए हैं, आप वो देख लीजिएगा। मैं प्लान कर रहा हूँ इंटरनेशनल टैक्स के रिविजन, जिसके कुछ पार्ट जैसे केस स्टडीज मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डालना शुरू कर चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे एंड मुझ तक के जरूर पहुंचाइएगा। राइट, सो दिस वॉज विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर। जाते जाते एक और बात बोलना चाहूंगा, आपके जितने भी दोस्त भाई यार रिश्तेदार जो मई 21, ध्यान से सुनिए, मई 21 एंड नवंबर 21 के लिए लेक्चर लेना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपडेट किया है, बट स्टिल मैं आपको इसके बारे में पॉइंट बताना चाहता हूं। ये जो लेक्चर्स है इनके लिए फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल होने वाला है। सो मई 21 और नवंबर 21 के अंदर में जो भी आप क्या कर रहे होंगे, लेक्चर जिसको भी लेना होगा, ये लेक्चर सारे के सारे कहां होने वाले हैं सर, मैं आपको बता दूं, इनमें अमेंडमेंट होने वाले हैं फाइनेंस एक्ट 20 से रिलेटेड। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि इन सभी बच्चों को आप बोल दें कि जुलाई तक के वेट कर लें और जुलाई के बाद ही ये नए लेक्चर्स आएंगे और ये नए लेक्चर्स लिए। जैसा कि मैंने कहा 104 अमेंडमेंट्स है और सारे मेजर्स है, हेंस नए फ्रेश लेक्चर लेने भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।